हाँ जी, लेट्स स्टार्ट। ओके, गुड आफ्टरनून सर। मॉर्निंग भी आप ही के साथ हो रहा है और आफ्टरनून भी आप ही के साथ। सो चलिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और बिजनेस डेटा एनालिटिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। ओके, सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका पेपर नंबर 11 है सीएमए इंटर न्यू सिलेबस में। इसके पहले क्या होता था, आपका ओल्ड सिलेबस जो था उसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट और कॉस्ट मैनेजमेंट सब्जेक्ट कंबाइन किया हुआ था 50-50 मार्क्स के लिए। ओके, तो इस न्यू सिलेबस में इंस्टीट्यूट ने क्या किया, कॉस्ट को पूरा 100 मार्क का बना दिया मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट 80 मार्क का कर दिया, डेटा एनालिटिक्स 20 मार्क का डाल दिया। ठीक है, तो इस तरह से इंस्टीट्यूट ने कॉस्ट सब्जेक्ट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस आपके यहाँ पे बढ़ा दिया। तो ये जो इंपॉर्टेंस इंस्टीट्यूट ने बढ़ाया, उसके कारण क्या हुआ, जो टैक्स सब्जेक्ट था जिसमें डीटी आईडीटी अलग अलग आता था, उसको कंबाइन करके 100 मार्क का कर दिया। ठीक है, तो टैक्स 100 मार्क का कर दिया 200 मार्क से, उसके जगह कॉस्ट को बढ़ा दिया और एफएम को बढ़ा दिया। समझ गए क्यों? इसका रीजन बहुत सिंपल है, आपका इंस्टीट्यूट चाहता है कि आप एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट सबसे ज्यादा इंफेसिस कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट पे करेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग 100 मार्क का ग्रुप वन में, मैनेजमेंट अकाउंटिंग 100 मार्क का ग्रुप टू में, और थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे करें, जो कि पहले इंपॉर्टेंस थोड़ा सा कम था, अब थोड़ा बढ़ा दिया गया। दूसरा बात, एक नया सब्जेक्ट इसके साथ जोड़ा गया है, विच इज बिजनेस डेटा एनालिटिक्स। आपको थैंकफुल होना चाहिए आपके इंस्टीट्यूट के लिए कि ऐसा जो सब्जेक्ट है वो आपको पढ़ने का मौका मिला। ये सीएमए वाले बच्चे पता नहीं क्यों सीए के कंपैरिजन में इंफीरियर फील करते हैं। मैं बार बार एक ही चीज पे इम्फेसिस करता हूं, और प्रॉब्लम क्या पता है, माँ बाप आपके इंफीरियर फील नहीं करते कि मेरा बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहा है और चार्टर्ड नहीं कर रहा, ना टीचर फील करते, ना जॉब में जब आप जाओगे तो वो फील करते हैं, खाली आप ही फील करते हैं। अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट वाले को जाके पूछना, बोल तो बिजनेस डेटा एनालिटिक्स में क्या है, उनको आइडिया भी नहीं है। तो यहां तो आपका एज क्रिएट कर दिया गया है, यू हैव समथिंग एक्स्ट्रा विच दे कैन नॉट इवन थिंक ऑफ। डेटा एनालिटिक्स को लेकर एक पोर्शन बनाना, ये सच में करेज की बात है। इंस्टीट्यूट चाहता है कि आप मॉडर्न वर्ल्ड में जो बातें हो रही है, जो पढ़ाई चल रही है, उससे जुड़े, आप पीछे न रहे, इसलिए ये पोर्शन आपके सिलेबस में डाल दिया। हालांकि अभी ये डेटा एनालिटिक्स का पोर्शन 20 मार्क्स का ही इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में है, थोड़ा सा डेटा एनालिटिक्स स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट में भी डाला है, थोड़ा डेटा एनालिटिक्स फाइनल में भी डाला है, डिवाइड कर दिया है। डेटा एनालिटिक्स अपने आप में एक अलग साइंस है, उसकी क्लासेस अलग होगी। हमारे यहाँ पे डेटा एनालिटिक्स के एक एक्सपर्ट टीचर हैं, स्पेशलिस्ट टीचर हैं, वो आपको उसकी क्लास कराएंगे, वो आप उनकी एक क्लास करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा उनका क्या डेप्थ है। ठीक है, तो दैट इज नॉट टू वरी अबाउट दैट। सो टुडे आवर कॉन्टेक्स्ट इज विच सब्जेक्ट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का थोड़ा सा एक बार ब्रीफ जानते हैं, बट उसके पहले मैं वापस आपको बता दूं कि जो भी सब्जेक्ट आप एसजेसी में पढ़ते हैं, उसको पढ़ाने का हमारा दो गोल है। गोल नंबर वन है कि आपको एग्जाम पास कराना है। पास बोलने से मतलब ये नहीं कि जस्ट 40 दिलवाना है या 50 दिलवाना है, इज्जत से पास कराना है, मतलब अच्छे मार्क्स से पास कराना है। मैं आपको बता दूं,
अकेले नहीं, हमारे एसजेसी में जितने भी टीचर्स हैं, एट द सेम टाइम जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं, सबका एक ही गोल चलता है, कैसे बच्चा पास होगा, क्या चेंज करे जिससे बच्चा पास हो जाएगा। एट द सेम टाइम आपको नॉलेजेबल पर्सन भी बनाना है, दोनों हमारा गोल है। बहुत बच्चों का एक रिक्वायरमेंट रहता है कि क्लास जल्दी जल्दी खत्म हो जाए और कम से कम में खत्म हो जाए। सच बात बताए तो ये हम भी चाहते हैं, क्योंकि मेरा भी तो फायदा है। अरे कॉस्ट का टीचर है तो कॉस्टिंग तो आता है ना हम लोगों को, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा तो क्या फायदा होगा, कॉस्ट कम लगेगा एक बैच को पढ़ाने में, करेक्ट। लेकिन मजबूरन क्या होता है कि हम लोगों का क्लास थोड़ा सा एक्स्ट्रा चला जाता है कभी कभी, या क्लास का एक डेप्थ रहता है हर समय। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि हम लोग जब पढ़ाते हैं तो पूरा डेप्थ के साथ साथ आपका जो भी डायमेंशन है प्रैक्टिस करने का, उसको भी कवर कर डालते। मतलब हमारे क्लास में पढ़ने के बाद बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे पढ़ाने उतर जाते हैं। हमारा फोकस ये है कि आप इस तरीके से पढ़े कि एग्जाम तो पास आप वर्स्ट सिनेरियो में हो ही जाएंगे। देखिए कई जगह क्लासेस ऐसे भी होती है जहां पर सिर्फ सीधा भी चैप्टर चालू किया और सीधा का सीधा बोला क्वेश्चन नंबर वन करो और क्वेश्चन से समझाया गया। बट हम कैसे स्टार्ट करते हैं? हम पढ़ाते हैं कि सब्जेक्ट का बैकग्राउंड क्या है, क्यों ये सब्जेक्ट पढ़ना है एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट, ये सब्जेक्ट कंपनी में क्या रोल प्ले कर रहा है, फिर सब्जेक्ट को समझा रहे हैं। उससे क्या फायदा होता है कि जब क्वेश्चन आता है ना तो आंसर अपने आप क्लिक करता है। तो एक तरीका है कि हम आपको क्वेश्चन लिख के दिखाएं और उसको क्वेश्चन को समझाएं और आंसर भी आपको समझाएं। और दूसरा तरीका क्या होता है कि हम क्या बोलेंगे कि ये क्वेश्चन है, आंसर तुम बताओ। राइट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन यू विल गिव द आंसर। अब वो लेवल बच्चे का लाने के लिए हम लोगों को क्वेश्चन के पहले मेहनत करना पड़ता है, समझ गए? ये मेथड ऑफ टीचिंग जो है ना, ये सॉक्रेट्स ने बनाया था, मैंने नहीं बनाया। आप गूगल करके पढ़िएगा, सॉक्रेट वे ऑफ लर्निंग, सॉक्रेट वे ऑफ टीचिंग। एक बहुत जाने माने फिलोसोफर रहे थे सॉक्रेट्स, उन्होंने बोला कि ऐसे पढ़ाना चाहिए कि हर सवाल का जवाब इंट्यूटिवली पढ़ने वाला देने लगे। अगर वैसे कोई पढ़ लिया तो जिंदगी भर पढ़ाई नहीं बोलेगा। तो जो भी टॉपिक आप हमारे पुराने स्टूडेंट से भी पढ़े मिलेंगे कभी, वो टॉपिक्स पढ़े हैं ना, वो धड़ 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 बिना देखे बोलते। तो हम वो लेवल आपका लाना चाहते हैं, इसलिए मेरे को थोड़ा सा समय चाहिए। बहुत बच्चों का रहता है, अभी थोड़ी देर पहले यहां पे बाहर में एक बच्चा बोल रहा था कि सर थोड़ा क्लास आपका ज्यादा हो जाता है। मैं बोला हाँ ज्यादा होता है, कारण है, छोटा करके देने में तो मेरे को बहुत फायदा है, हम तो तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं। मैं जल्दी चला जाऊंगा तो मेरे को तो बहुत मजा आएगा, मैं तो फटाफट अभी का अभी चैप्टर शुरू करूं, खत्म करूं। बट कारण यह है कि मैं तेरे को खाली वो सम सॉल्वर बनाना नहीं चाहता हूं, मैं तेरे को एक थिंकर बनाना चाहता हूं, क्योंकि ये तुम्हारा जिंदगी का वन ऑफ द मोस्ट सीरियस पढ़ाई चल रहा है। और ये डिग्री के बाद तुम और कुछ पढ़ो नहीं पढ़ो, तुमको जिंदगी भर पढ़ाई का जरूरत नहीं है। जो स्कूल में नहीं किया, जो कॉलेज में नहीं किया, वो अब करना पड़ेगा। तो उस लेवल को लाने के लिए समय लगता है, उसके लिए पेशेंस चाहिए, उसके लिए आपका साथ चाहिए, बस फिर आप देखो क्या मजा आएगा। बहुत बार आपको दोस्त बोलेंगे आपके कि सतीश सर के यहां पे कॉस्टिंग पढ़ने जाओ, FM पढ़ने कहीं और जाओ, कई दोस्त लोग आपको बताएंगे ऐसा। हाँ, क्योंकि मैंने कॉस्टिंग बहुत साल से पढ़ाया, FM बाद में पिकअप किया था, तो जो बाद में पिकअप किया उसका थोड़ा बाद में नाम आता है, जो पहले पिकअप किया उसका पहले नाम आता है। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूं, जो FM पढ़ते हैं
वो ये बात बोलते हैं कि सतीश सर के यहाँ पे कॉस्टिंग से ज्यादा मजा एफएम पढ़ के आता है। आपने कॉस्टिंग में तो एक नाम सुना ही, बट एफएम जब आप पढ़ते हो तो लोग ये बोलते हैं ज्यादा मजा एफएम पढ़ के आता है, कॉस्टिंग से भी ज्यादा मजा आता है। इसका दो कारण है, एक तो बच्चों का भी इंटरेस्ट होता है सब्जेक्ट में और दूसरा मेरा भी इंटरेस्ट ज्यादा है। नाम से कोई मतलब नहीं, इंटरेस्ट का बात है, ठीक। मोर ओवर आप ये जो डिग्री कर रहे हैं ये फाइनेंस का डिग्री है, आप फाइनेंस के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपने आप में एक अट्रैक्शन है, ठीक है। तो अभी मैं हाल में अहमदाबाद गया था ना, तो एक स्टूडेंट मिला, उससे मैं पूछा ऐसे ही बताओ अभी मेरे से पढ़ा हुआ कौन सा टॉपिक तुमको याद है। अचानक मिलने आया तो ऐसे ही पूछा, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट बड़बड़ 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 कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर है आपका, वो सुनाने लग गए। तो मैं ये चाहता हूं कि आपका भी लेवल ऐसा आ जाए कि पढ़ाई मतलब प्रेशर वाला ना हो, रिवीजन कम भी हुआ तो भी एग्जाम देके आ जाएंगे, स्ट्रेस नहीं बिल्डअप होगा। वो तभी पॉसिबल है जब आप क्लास ढंग से करेंगे, ठीक है। क्लास ढंग से करना पहला आपका गोल है, गोल नंबर वन क्या है, क्लास ढंग से करना, मेरे साथ चलना पड़ेगा, ओके। फटाफट का गुंजाइश रखने के लिए कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, मेरे को क्या, मेरे को तो बड़ा मजा आएगा, मेरा टाइम बचेगा, मेरे को तो सब लोग बोलते हैं जल्दी करो, बट मैं ये सोचता हूं कि यार ये बच्चा फिर अलग अलग नाम से जाना जाएगा, लोग बोलेगा यार ये कैसा चतुर रामलिंगम आ गया। मैं चाहता हूं ये लड़का को लोग एडमायर करे, ये बच्चे को लोग एडमायर करे कि यार ये इसका नॉलेज सही है, इससे बात करो तो इसका दिमाग चलता है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि इंटर पास करने के बाद आप लोग का इंटरव्यूज होता है ना इंटर्नशिप के लिए, वो सब में ये सब जो क्वेश्चन पूछता है, तो ऐसे ऐसे बच्चे लोग का सिलेक्शन हुआ है जिसको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं था कि मेरा कभी सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू में सवाल फाइनेंशियल मैनेजमेंट और कॉस्ट अकाउंटिंग का पूछा और धड़ बिना देखे बोला, और बाकी सब्जेक्ट पूछ लेता ना सर तो नहीं होता। कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो पूछता है उसमें तो रिविजन का जरूरत नहीं पड़ता, ऐसे धड़ आंसर निकलता है। तुम चाहते आपका लेवल आए, वो लेवल आएगा कैसे, आपको क्लास में मेरा साथ देना होगा। आपका जो गोल एग्जाम पास वो आपका गोल नहीं है, वो हमारा गोल है, वी विल अचीव फॉर यू, ठीक है, बट आपको साथ देना पड़ेगा। आप क्लास ही नहीं करोगे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, आप क्लास भगा के करोगे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, आपको अपना टाइम निकालना होगा और क्लास ढंग से करना होगा। ये जो सब्जेक्ट आप पढ़ते हो ये आपका फाइनल का एक और सब्जेक्ट है, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसका बेस है। यहां पे जो भी पढ़ते हो वो फाइनल में रिपीट नहीं होता है, फाइनल में अज्यूम कर लिया जाता है कि वो आपको आता है। तो इसको हल्का से जो बच्चा लेता है वो फाइनल में खून का आंसू रोता है, इस सब्जेक्ट को जो हल्का से लेता है वो फाइनल में खून का आंसू रोता है, क्योंकि उसको वो सब्जेक्ट ऊपर से जा रहा होता है, समझ गए। तो इस सब्जेक्ट में आप मेरे साथ क्लास ढंग से करिए, मैं आपका इस सब्जेक्ट में 80% मार्क्स का प्रॉमिस करता हूं। आप 80 का टारगेट करेंगे, मतलब पास होने का नहीं, 80 का टारगेट करेंगे। कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसा है जहां पे इजीली संभव भी है, और वो एक ये सब्जेक्ट है। आपको बस मेरा साथ देना होगा, साथ क्या, क्लास करना होगा जितना जो मैं बता रहा हूं उसमें, अटेंटिवली, भगा के नहीं, ठीक है, इरेगुलर नहीं होना चाहिए। इस क्लास के साथ साथ जैसे जैसे चैप्टर्स होंगे हम आपका चैप्टर वाइज टेस्ट ले लेंगे, ठीक है। सर हम तो बाद में वीडियो में करेंगे, कर रहे हैं, हम लोगों का सबका होगा, चिंता नहीं करना है। हमारे यहां से फोन जाएगा, आपके ऊपर नजर रखा हुआ है कौन कब कौन सा चैप्टर खत्म कर रहा है, और आपको पकड़ के ले आया जाएगा और आपका टेस्ट लिया जाएगा, ठीक। इसके लिए आपको बस एसजेसी से जितने फोन आते हैं उसको विथ रेस्पेक्ट, जैसे कि सतीश सर फोन कर रहे हैं, एसजेसी में कोई भी आपको फोन कर रहा है आप ये समझ लीजिएगा सर ही आपको फोन कर रहे हैं, ये रेस्पेक्ट देते हुए बस आप बात करिए, आप देखिए आपका काम हम लोग सब मिलके कैसे बना देंगे। क्लास के बाद
हम लोग जब जहां तक क्लास का एंड के तरफ से कुछ रिवीजन क्लास चालू कर देंगे, या फिर क्लास खत्म होते ही एक रिव्यू क्लास करेंगे। रिव्यू क्लासेस मतलब रिवीजन क्लासेस होता है, जिसमें हर चैप्टर फिर से एक बार समझा देते हैं। ठीक, ये रिव्यू क्लास चैप्टर वाइज टेस्ट को ही हेल्प करता है। ये रिव्यू क्लास ऐसे नहीं कि हर चैप्टर के बाद रिव्यू करेंगे, बट रिव्यू क्लास हर चैप्टर वाइज टेस्ट तक चलता रहता है, मतलब चैप्टर वाइज टेस्ट यहां तक चलता रहता है। उसके बाद आपका फिर से रिवीजन क्लास होगा, ठीक है? उसमें सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराया जाएगा। इंपॉर्टेंट मतलब वो क्वेश्चन जिसमें बच्चा फंसता है, इंपॉर्टेंट मतलब वो जो आने वाला है वो नहीं, इंपॉर्टेंट मतलब जिसमें बच्चा फंस सकता है वो क्वेश्चन फिर से कराया जाएगा, और उसमें फिर से टेस्ट लिया जाएगा। वो टेस्ट हम लोग ब्लॉक टेस्ट बोलते हैं। ब्लॉक टेस्ट मतलब यहां पर कुछ कुछ चैप्टर्स को कंबाइन करके टेस्ट लेंगे, और जब ये सारा रिवीजन हो जाएगा उसके बाद एक और टेस्ट होगा जिसका नाम है फुल टेस्ट। इतना टेस्ट आप जैसे ही दे दोगे आपको ये कॉन्फिडेंस रहेगा ही रहेगा कि मैं पास हो जाऊंगा। नॉर्मली एक बच्चा टेस्ट के प्रति कब कब कॉन्फिडेंट होता मालूम है? फेल होने के बाद, कि अब तो टेस्ट देना पड़ेगा, आप फेल हो गए भाई। बट हम नहीं चाहते आपके साथ वो नौबत आए। आपसे आपके अंदर से टेस्ट का सारा डर आपका निकाल देंगे भाई, कंपल्सरली ब्रिंगिंग यू इनटू दिस। ये सारा टेस्ट हम लोगों के लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट पे आता है, आपसे कोई अलग से फीस चार्ज नहीं किया जा रहा है। एसजीसी में आप जो भी सब्जेक्ट ले रहे हैं उसमें ये सब इंक्लूडेड है, तो आप इसका फायदा पूरा उठाइएगा, ठीक है? टेस्ट से घबराइएगा नहीं, जब जब घबराहट आएगा हम लोगों से मिलिएगा, हमारे प्रतिनिधि से बात करिएगा, ठीक? क्लास करते समय कोई भी डाउट आएगा तो डाउट का दो सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन नंबर वन, टेलीग्राम ग्रुप में जाएंगे, जो इस बैच का टेलीग्राम ग्रुप है उधर एक दूसरे को हेल्प करेंगे, हेल्प वन अनदर। इससे क्या होता है, आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है सब्जेक्ट पे, कि मैंने बताया, पता है मैं ही सिखा दिया उसको, ठीक? टेलीग्राम ग्रुप देखने का एक टाइम फिक्स कर लीजिए, क्या ब्रेक टाइम, कन्वेंस टाइम, ठीक है? रास्ते में आने जाने का समय यूज करिए। जो भी होमवर्क वगैरह मिलेगा यहां डिस्कस करिए, ठीक है? कोई सम को फिर से डिस्कस करना है, फिर से कोई सम में डाउट है, फिर से कोई भी क्वेश्चन को करना है, वो टेलीग्राम में करिए, ठीक है? एक दूसरे से पूछिए, और हमेशा ये सोच से टेलीग्राम में जाएंगे कि चल मैं किसी का हेल्प करके आता हूं, ये सोच से नहीं कि मैं हेल्प लेने जाता हूं। खाली लेने के भाव से जाओगे तो कोई हेल्प नहीं मिलता है। सेकेंड नंबर, ये टेलीग्राम ग्रुप के अलावा, टेलीग्राम चैनल नहीं, ग्रुप, ग्रुप मतलब ये बैच का एक अलग ग्रुप बनता है, वो आपको ऐड करेंगे उसमें। सेकेंड नंबर, आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, 9339959877। इस नंबर पे आप अपना एकेडमिक क्वेरी मेरे को भेज सकते हैं। बट सिंस जैसे देखो, जो बच्चे फेस टू फेस आ रहे हैं उनको तो जरूरत ही नहीं पड़ेगा, फेस टू फेस में आते हैं, और अगर आप क्वेरी भेजोगे तो सॉल्व नहीं करेंगे। हाँ, कोई इंफॉर्मेशन देना है अलग बात है, क्योंकि आप तो आओगे तो आप फेस टू फेस सॉल्व कराना। ये उन बच्चों के लिए है जो ऑनलाइन या फिर जो वीडियो में क्लास कर रहे, और इट्स ओनली फॉर एकेडमिक क्वेरीज, मतलब कोई पर्टिकुलर जगह फंसे हो तो होमवर्क चेक नहीं कराओगे, कोई पर्टिकुलर कंसेप्ट में कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तब, ठीक है? इसका भी प्रोटोकॉल है कि क्वेश्चन एंड आंसर का स्क्रीनशॉट भेजना पड़ेगा, या कोई भी मैट से जहां से पूछ रहे हो उसका स्क्रीनशॉट। दूसरा, वॉइस नोट नहीं भेजना है, ठीक है? बट मैं वॉइस नोट भेजूंगा, तुम वॉइस नोट नहीं भेजोगे नहीं तो क्वेरी आंसर नहीं होगा, क्वेरी टाइप करोगे। तीसरा, एक बार में एक क्वेरी भेजोगे, बहुत सारा क्वेरी एक साथ नहीं भेजोगे, एक क्वेरी सॉल्व होगा फिर दूसरा क्वेरी फिर तीसरा क्वेरी, ठीक? क्यों नहीं भेजोगे एक साथ बहुत सारा क्वेरी? भेज सकते हो, लेकिन मैं आंसर करने से घबरा जाता हूं, पहले वो काम करता हूं जिसमें एक ही क्वेरी है, तो तुम्हारा क्वेरी का आंसर जल्दी चाहिए तो वन क्वेरी एट ए टाइम। चौथा, एक वर्किंग डे का वेटिंग दोगे, ठीक? अगर भूल गया तो, आंसर नहीं आया तो मैं भूल गया, कहीं बिजी हो गया, फिर से पूछ लोगे,
गुस्सा नहीं करोगे, चिल्ला चिल्ली नहीं करोगे, ठीक है? तो वन वर्किंग डे का टाइम दे दोगे, और इसके अलावा कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप एसजेसी का हेल्पलाइन नंबर ये मोबाइल में सेव करके रखो, यहां पे कनेक्ट करोगे और care@sjc एक ईमेल आईडी है, इससे बात करोगे, ठीक है? टेलीग्राम ग्रुप में एसजेसी का सपोर्ट मत लेने जाओ, टेलीग्राम ग्रुप आप अपने आप में यूज करो। हम लोग आपको कोई भी बैच रिलेटेड नोटिफिकेशन होगा तो टेलीग्राम ग्रुप में भेजेंगे, ठीक है? कभी कभी व्हाट्सएप भी कर देते हैं यूजिंग दिस नंबर, ठीक है? तो इसका नंबर सेव करके रखो और टेलीग्राम ग्रुप में अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल एसएमएस वगैरह है ना बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो गया है, हर कोई एसएमएस भेजने अलाउड नहीं है, तो हम लोग एसएमएस भेज नहीं पाते आजकल, थोड़ा बहुत व्हाट्सएप करते हैं यहां से, अगर नंबर सेव नहीं होगा तो वो भी आपको मिलेगा नहीं, और थोड़ा ज्यादा करके टेलीग्राम में आपको सारा अपडेट देते हैं, तो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखें। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा पढ़ने का सिस्टम, ओके? सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर सब्जेक्ट। ये जो सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये कितने मार्क्स का है आपके एग्जाम में? 80 मार्क्स का, ये देखो 80 और 20। सर पढ़ाई करने के लिए क्या इंस्टीट्यूट मैट चाहिए? इंस्टीट्यूट मैट हमेशा चाहिए, इंस्टीट्यूट मैट बिना गुजारा है ही नहीं। जो टीचर बोलता है कि बस मेरा मैट पढ़ लो, वो आपको गुमराह कर रहे हैं। मेरा मैट सप्लीमेंट है, इंस्टीट्यूट मैट का एक सबसेट है। तो मैं अपने मैट से आपको जो भी पढ़ाऊंगा, सवाल कराऊंगा, वो इसी से डिराइव करके लाया हूं, ठीक? मेरा मैट करने के बाद इंस्टीट्यूट मैट पढ़ना आसान लगेगा। फर्स्ट हैंड में इंस्टीट्यूट मैट पढ़ने में ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हम लोग, तो कंफ्यूजन को कम करने के लिए हमने ये अपना मैट बनाया हुआ है। तो मेरा मैट के बाद इंस्टीट्यूट मैट पढ़ना ही पढ़ना है, और वो सब मैं आपको यहां पे करा दूंगा, जो मैंने आपको सिस्टम बताया ना रिविजन विविजन के वक्त तक सब करा दूंगा। बट आप ये मत सोचना कि इंस्टीट्यूट मैट इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ना ही पड़ेगा, उसका कोई भी छुटकारा नहीं है। सर मैट बहुत ज्यादा पेजेस का बना दिया तो आपका भला के लिए बनाया है कि इधर इतना सारा सम्स प्रैक्टिस करने के लिए डाल दिया है कि आपको कहीं और जाने का आप जरूरत ही नहीं है। तो ये आपके बेनिफिट के लिए है, ये आपके नुकसान के लिए नहीं है। तो आप इंस्टीट्यूट मैट पे फोकस करके चलो, आप पास हो ही जाओगे, गारंटी है, ठीक है? सो कुछ सवाल पूछना आपको, कोई कुछ मन में आ रहा है? नहीं आ रहा है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन को समझो। ओके, खाली कॉपी में हेडिंग दे दो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में दो शब्द है, एक है फाइनेंस, दूसरा मैनेजमेंट। बाद में लिखना, अभी सुनो। फाइनेंस मतलब क्या होता है? पैसा, मनी। फाइनेंस मतलब क्या है? मनी। तो सर मनी मैनेजमेंट नाम क्यों नहीं रखा, सिंपल करने के लिए? ये मेरे को नहीं पता। एक्चुअली क्या ना, मनी थोड़ा सा बदनाम हो चुका, मनी वर्ड बदनाम हो चुका है, गाना भी बन गया ना बॉलीवुड में, पैसा पैसा तू क्या करती है, तू पैसे पे क्यों मरती, वर्ड बदनाम हो गया। मतलब ज्यादा पैसा पैसा आदमी करता है ना, तो हाय हाय मनी मनी मनी, वो हो गया, नेगेटिव वर्ड में चला गया। जो कमा नहीं पाते वो ऐसे ही करते, ये नेगेटिव कर देते आदमी को, समझ गए? मनी बदनाम कौन किया? मनी को बदनाम वो किया है जो कमा नहीं पाते, तो इसलिए शायद मनी मैनेजमेंट वर्ड यूज नहीं किया।
तो मनी का एक रिप्लेसमेंट वर्ड खोजते गए तो एक अच्छा वर्ड मिल गया, फाइनेंस। मेरे को ये नहीं मालूम ये वर्ड कहां से लाया है लोग, बट फाइनेंस वर्ड अच्छा लगता है। समझ गए? अब मनी को लेकर क्या क्या बात यहां पे उठना है। मनी मतलब एक तरह से होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, है ना। मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तुमको कुछ चाहिए तो बदले में बार्टर सिस्टम होता था ना पहले, कि मैं कुछ दूंगा तो तुम मुझे कुछ दोगे, तभी होगा ना। आज भी कुछ कंट्री ऐसे हैं जहां पे पता बार्टर सिस्टम चलता है। गूगल करके खोजना कि तुम कोई भी दुकान से कुछ भी उठा लो, बदले में वो लोग लगा के रखते हैं तुमको क्या देना पड़ेगा। मनी नहीं है तुमको वो चीज ले, तुम्हारे पास है तो तुम दे दो। तो हर आदमी के पास जो तुमको नीड है वो मेरे पास होगा, जरूरी नहीं है, बट मेरे पास जो मेरे मेरा जो नीड है वो तुम्हारे पास है। एक्सचेंज हो नहीं पा रहा है। तुम बोल रहे हो मेरे को कोई रुमाल दो, मैं बोल रहा हूं मेरे को मोजा दो। तो तेरे पास मोजा है बट मेरे पास रुमाल नहीं है, एक्सचेंज कैसे होगा? तो इसलिए मनी आ गया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन के। मनी से मिलता क्या है? जो आपका नीड है वो फुलफिल होता है। मनी फुलफिल्स योर नीड, बट फुलफिल करने के लिए किसी से कुछ लोगे तो कुछ देना भी पड़ेगा ना। तो क्या दे उसको? तो बोले मनी दे दो। यो यूनिवर्सल मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन गया, राइट। अब ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज को हमने नंबर भी दे दिया इन द नेम ऑफ रुपीस, डॉलर्स, यूरो, पाउंड। अलग अलग कंट्री ने अलग अलग नाम दे दिया। इस मनी को रेगुलेट करने का पॉलिसीज बन गया। आरबीआई का मनी रेगुलेशन पॉलिसीज चलता है कि जो गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करता है कि कितना मनी मूव करेगा पूरा कंट्री में, उसके पीछे का एक बैकिंग होता है, गोल्ड रिजर्व रखा जाता है, उसके अगेंस्ट में जितना मनी है उतना ही मनी आपका कंट्री में रोटेट करता है। खैर वो सब इकोनॉमिक्स की बातें, अपने उसमें नहीं जाते। बट मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, बिना मनी के कुछ नहीं होता भाई, समझ रहे हो ना। हमारी एक बुआ जी थी, वो बोला बोला करती थी, टका धर्म टका कर्म टका सर्वे सर्वा। टका माने टका, टका धर्म टका कर्म टका सर्वे सर्वा। बिना पैसा के क्या होगा? कुछ नहीं होगा, समझे। तो बिजनेस को करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को भी मनी चाहिए। आपको अपना अपना सोचना तो आता ही है, आपको मनी किस लिए चाहिए? क्या चीज के लिए मनी लगता है आपको? खाने के लिए, कपड़ा के लिए, चश्मा के लिए, मोबाइल के लिए, रिचार्ज के लिए, भाड़ा के लिए, कितना चीज के लिए मनी लगता है ना। सोने के लिए जगह चाहिए तो उसका मनी है, टीवी देखने के लिए मनी है, चैनल लाने के लिए मनी है, कितना चीज के लिए मनी चाहिए? वैसे बिजनेस में भी व्यू पॉइंट चेंज करो ना। बिजनेस बिजनेस में भी मनी चाहिए हर चीज के लिए। अब वो हर चीज में क्या क्या चीज के लिए मनी चाहिए उसको इतना डीप में घुस घुस के कॉस्ट अकाउंटेंट सोचेगा। कॉस्ट अकाउंटेंट को सोचने दो, वो उसका लिस्ट ऑफ आइटम को क्लासिफाई कर लेगा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, वो करने दो उसको। उसको उसको बोलो भाई टोटल बता। अपने थोड़ा ऊपर और ऊपर में चल रहे हैं। कॉस्ट अकाउंटेंट क्या है? घुस घुस के क्या क्या चीज के लिए चाहिए वो उसका लिस्ट बना बना के उसको ग्रुप कर करके रखा हुआ है, कॉस्ट शीट बना के रखा हुआ है। अपन क्या बोलेंगे? भाई टोटल बता, टोटल कितना? बोला टोटल टोटल आ रहा है 10 करोड़। ले कितना समय में चाहिए? एक साल में। ले एक साल में 10 करोड़, ठीक है, सुस्त है। कॉस्ट अकाउंटेंट क्या कर रहा है? वो टुकड़ा 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 को जोड़ रहा है, ग्रुपिंग कर रहा है, खाली टोटल पता कर रहा है। अब अपन क्या बोल रहे? अच्छा कितना चाहिए मोटा बताना बाबा, जुगाड़ बैठाते।
यहां से रोल चालू होता है फाइनेंस का, इसको इसका काम करवा के देने का है। ठीक है, क्या चाहिए इसको? 10 करोड़ चाहिए। क्या चीज के लिए? प्रोडक्शन करने के लिए। तो प्रोडक्शन करने का जो मनी है उसका नाम हम लोग अपना हम लोग का दुनिया है, फाइनेंस वाला लोग का दुनिया है। हर दुनिया में हर चीज को अलग अलग तरह से बोलते हैं ना, कहीं जैसे पैसा को पैसा बोल रहे हैं, कहीं रुपया बोल रहे हैं, कहीं टाका बोल रहे हैं, कहीं डॉलर बोल रहे हैं, कहीं यूरो बोल रहे हैं, कहीं पाउंड बोल रहे हैं। तो हर दुनिया का अलग भाषा है। तो हम लोग का दुनिया फाइनेंस दुनिया में हम बोलते हैं जो रुपया आपको प्रोडक्शन करने के लिए चाहिए उसको बोलेंगे वर्किंग कैपिटल। नाम तो सुना हुआ है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या है? ऐसा मनी जो आपको अपना प्रोडक्शन करने के लिए चाहिए, सेल करने के लिए चाहिए, प्रोडक्शन सेल करने के लिए, मेन एक्टिविटी करने के लिए चाहिए। क्या बोलते हैं उसको? वर्किंग कैपिटल। कितना तुमने बोला? कितना टोटल बोला था? 10 करोड़। ठीक है, जुगाड़ मारते हैं कैसे लगेगा, कहां से लगेंगे देखते। बट कॉस्ट शीट में क्या सारा आइटम आता है? खर्चा का सब आइटम कॉस्ट शीट में आता है? कुछ और भी खर्चा होता है जो कॉस्ट शीट में नहीं आता, उसके लिए भी मनी चाहिए, तो वो भी जोड़ लो। जो एसेट खरीदते हैं बिजनेस के लिए उसका भी अमाउंट कॉस्ट शीट में आता है, डेप्रिसिएशन आता है, एसेट का अमाउंट नहीं आता। तो वो एसेट अमाउंट का टोटल को भी ले लो, प्लांट बिल्डिंग मशीनरी जो चाहिए सबको जोड़ के बोलो कैपेक्स। क्या बोल रहे हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर, या फिर बोलिए फिक्स्ड एसेट्स, जो आप लोग अकाउंट्स में भी सीखते हैं। तो बेसिकली आपको मनी बिजनेस में भी हर काम के लिए चाहिए, जिसको हम लोग ने भी ग्रुपिंग किया है, एक फिक्स्ड कैपिटल फिक्स्ड एसेट और दूसरा वर्किंग कैपिटल। दोनों मिला दे तो क्या बनता है? टोटल कैपिटल। तो टोटल कैपिटल का क्या हिस्सा है? फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। ये जो टोटल कैपिटल है इसी को आप फाइनेंस बोल सकते हैं, मनी भी बोल सकते हैं। बिजनेस के लिए जो मनी चाहिए ना उसको बोलते हैं कैपिटल। मनी क्या है? पर्सनल यूज के लिए। ठीक है, ये पर्सनल है। तुमको क्या चाहिए? मनी। तुमको क्या चाहिए? मनी। मेरे को क्या चाहिए? मनी। बट बिजनेस को मनी नहीं चाहिए, बिजनेस को क्या चाहिए? कैपिटल। ठीक है, घर जाके पापा से कैपिटल मांगोगे ना तो क्या कर रहा है, धंधा वंदा खोल रहा है क्या? पापा कैपिटल देना थोड़ा। कैपिटल में क्या, धंधा वंदा खोल रहा है क्या? बोले नहीं नहीं नहीं, थोड़ा जूस पीने जाना है। बोले तो मनी बोल ना। और यही बिजनेस के लिए अगर पैसा चाहिए तो क्या बोलेगा? भैया मनी दीजिए। मतलब मनी मतलब क्या, भिकमंगा आदमी है क्या तुम? पर्सनल यूज के लिए पैसा मांग रहा है क्या? बोले नहीं नहीं, बिजनेस में मशीन लाना है तो कैपिटल बोलना, चीज एक ही है, बस कॉन्टेक्स्ट अलग हो गया। तो वर्ड कैपिटल माने बिजनेस, वर्ड मनी माने पर्सनल यूज। तो पर्सनल यूज का पढ़ाई अभी नहीं कर रहे, अपने कंपनी के एंगल से पढ़ाई कर रहे, इसलिए कैपिटल। ठीक, तो ये कैपिटल चाहिए। क्या चीज के लिए चाहिए? दो कैपिटल बताया ना, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या है? मान लीजिए दोनों मिला के चाहिए 20 करोड़ रुपया, 10 करोड़ इसका, 10 करोड़ इसका। प्रॉब्लम क्या? पैसा है नहीं। तो अब क्या करें? भगवान के नाम पे दे दे बाबा, क्या करें? इसी को बोलते हैं मैनेजमेंट। पैसा होता इतना तो फिर पढ़ाई का जरूरत ही क्या था? जो चीज है उसका पढ़ाई करते हैं क्या? पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं? जो चीज नहीं है भाई कैसे आएगा? इसलिए तो बुद्धि लगाना पड़ेगा। इसलिए मैं मैनेजमेंट वर्ड में क्या यूज करता हूं मालूम? सूखे में नाव चलाना। क्या यूज करता हूं समझे? एक कहावत सुने, सूखे में नाव चलाना? नहीं सुने? ये एक मुहावरा है। सूखे में नाव चलाना मतलब जैसे नदी में पानी रहेगा तो नाव चली जाएगा, बट नदी यदि सूख गया है तो नाव कैसे चलेगा? यही तो सीख है, मैनेजमेंट यही सिखाता है कि तुम्हारे पास है नहीं तो फिर भी कैसे आएगा। एक कहावत है ऐसे,
बंद मुट्ठी लाख की, खुली मुट्ठी खाक की। नहीं समझ रहा? मेरा मुट्ठी बंद है तो इसके अंदर हीरा है, सोना है, तुमको क्या पता? हम दिखाएंगे ही, हम मुट्ठी बंद करके तुमको हीरा बेच देंगे। बोल, हीरा लेगा? मेरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बंद मुट्ठी लाख की, खुली मुट्ठी खाक की, कुछ नहीं है। मुट्ठी खोल के मांगेंगे ना, कोई कुछ नहीं देगा। मुट्ठी बंद करके मांगेंगे तो लोग डाउट में आ जाएगा। बोल तो रहा है भाई, हो भी सकता है, समझे? तो अब मैनेजमेंट का बुद्धि चालू हो रहा है। 20 करोड़ रुपया चाहिए, बंद मुट्ठी करके रुपया जुगाड़ करने जाना है, क्या समझे? अब हाथ में मुट्ठी बंद कर लो, ऐसे पॉकेट में डाल। चलो, हाँ भाई, मिस्टर शायन, आपके पास बहुत पैसा है, सुना है, मेरा बिजनेस में पैसा लगाएंगे क्या? मतलब आपका बिजनेस कौन सा चालू हो रहा है? मतलब ऐसा ऐसा चालू हो रहा है, इसमें ये यहाँ पे जमीन लेंगे, गवर्नमेंट से बात हो गया है, और यहाँ पे ऐसा प्लान डालेंगे, पूरा बिहार झारखंड से वर्कर का बेस उठा लाएंगे और सारा माल एक्सपोर्ट करेंगे, पूरा अमेरिका, पूरा चाइना, पूरा यूरोप हमारा मार्केट है। 100 रुपया लगाएंगे, 1000 रुपया बन जाएगा 3 साल में, 10 times in 3 years। बोलिए, आपके नाम का कागज साइन करवा लें? अभी आपको पूरा दिखाया ही नहीं पिक्चर, आपको ऐसा समझाया नंबर्स के थ्रू, 100 रुपया के जगह 1000 रुपया हो जाएगा, तो आपको मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस आ गया। अरे भाई सतीश सर है, चलो ठीक है यार, उतना क्या टेंशन लेना, बोल रहे तो ठीक ही बोल रहे होंगे। हाँ, आपको सिक्योरिटी के लिए जो जो आप मेरे से टर्म्स एंड कंडीशन पे साइन कराना चाहते करा लीजिए, कर देगा आप, उन क्या दिक्कत, जो बोलेगा कर देगा। बोलेगा मेरे बिना ये डिसीजन मत लेना, बोले ठीक है। आप बोलेगा कमाएगा तो पहले मेरे को देगा, बोले ठीक है। जो जो आप टर्म्स एंड कंडीशन लगाना चाहते लगा लो, मेरे ऑर्डर के बिना अपना रुपया इधर से उधर ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो जो तुम बोलोगे वो मानेंगे, कुछ नहीं मानेंगे, कुछ मानेंगे, राइट? तो क्या हुआ, मेरे पास रुपया था? नहीं था, फिर भी मेरा धंधा चालू होगा? होगा। कैसे होगा? मेरे को अपना पहले रिक्वायरमेंट समझना पड़ेगा, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं एक बिजनेस प्लान बनाऊंगा कि मेरा बिजनेस से कितना इन्वेस्ट होगा, तो कितना रुपया पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, पांचवा साल आ सकता है। उस प्लान को ले जाके जो जिसके पास पैसा है, बहुत एक्स्ट्रा रुपया, उसके पास मनी 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 बहुत है कि अपना नीड तो वो फुलफिल कर ही चुका, उसके बाद भी उसके पास सरप्लस है, तो उसको पकड़ूंगा, उसको बोलूंगा भाई देख तेरे कोई प्लान समझ में आ रहा है क्या? असली बिजनेस में तो उसको घुसा के दिखाना ही नहीं है, वो तो बना भी नहीं है, तो उसका कॉन्फिडेंस से उससे रुपया लेकर आएंगे, तो सारा फेस का वैल्यू है और कुछ नहीं है, टर्म्स एंड कंडीशन का वैल्यू है, तो वो अग्रीमेंट साइन करके आपसे रुपया जुगाड़ कर लिया। ये है मैनेजमेंट, सूखे पे नाव चलाना। मतलब मेरे पास पैसा नहीं है, आप ऐसा भी बोल सकते हो, कंडीशन बहुत सारा तरीका। आप बोला रुको कितना चाहिए, 20 करोड़। मतलब तो आप पूछ रहे, आप अपना कितना लगाए पहले ये बताइए। मतलब अपना 2 करोड़, तो मेरे पास 2 करोड़ है, तो अपना जब मैं बता दूंगा ना तो 18 करोड़ मिलना इजी हो जाता है, तो सामने अलग और ज्यादा भरोसा आता है, अच्छा अपना भी 2 करोड़ लगाए भाई, ठीक है ठीक है। अगर मैं बोला मेरे पास कुछ हो नहीं है, तो आप डर जाओगे, अरे बाप रे बाप, ये तो आदमी भाग जाएगा, तो अपना भी कुछ नहीं लगाया। तो टर्म्स एंड कंडीशन का वैल्यू है, आदमी का फेस का वैल्यू है, और रुपया मिल जाता है, राइट? अभी रुपया मिल गया तो ये स्टेप नंबर 1 हमारा खत्म हुआ। तो पहले क्या होता है, हम लोग का फाइनेंस का रिक्वायरमेंट हमको पता होना चाहिए, दिस इज रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट के बाद प्रोक्योरमेंट करने चले जाते हैं। प्रोक्योरमेंट मतलब आपसे लेके आए ना रुपए, अभी ऐसे प्रोक्योर करने जाते हैं। अब प्रोक्योर जब करने जाते हैं तो अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं, अलग अलग तरह का टर्म्स होता है, अलग अलग तरह का कंडीशन होता है। प्रोक्योरमेंट जब करने जाते हैं तो टर्म्स एंड कंडीशन में एक चीज जरूर आता है, वो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैपिटल मतलब समझ में आए, तो इस कैपिटल का कॉस्ट होता है। कॉस्ट कैसे होता है, एक तो आपके पास जाएंगे आएंगे भाड़ा लगेगा, आपको चाय पानी पिलाएंगे उसका खर्चा लग जाएगा, हम भी सूट बूट पहन के जाएंगे उसका खर्चा लगेगा, कोई एजेंट के थ्रू आपके पास आएंगे तो एजेंट कमीशन ले लेगा, ठीक।
दूसरा केस क्या हो सकता है कि आप मान लीजिए बदले में बोल रहे हैं कि टर्म्स एंड कंडीशन पे मेरे को कुछ भी हो, देखो भाई मेरा रुपया है तो मेरे को भी तो कुछ रिटर्न तो चाहिए ना, तो बदले में मेरे को साल का 15% चाहिए ही चाहिए, तभी मैं रुपया देगा। मैं बोला भाई ऐसा कंडीशन है तो क्या करेगा भाई, ठीक है अपन भी साइन कर दिया, रुपया तो चाहिए था, तो 15% अग्री कर गया, तो 15% मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया कि वो रुपया के पीछे एक एक्स्ट्रा मेरे को चार्ज देना पड़ रहा है, तो वो कॉस्ट है, तो प्रोक्योरमेंट हो गया। अभी प्रोक्योरमेंट से क्या बात हुआ था, कॉस्ट अकाउंटेंट जब हिसाब दिया था तो उससे तो कोई प्रोडक्ट बनाने का बात है ना, उसको सेल करने का बात है, उससे प्रॉफिट आने का बात है, तो एट द एंड प्रोक्योरमेंट होने के बाद मैं वो रुपया ले जाके सौंप दूंगा उसको, उसको वो यूटिलाइज करेगा। ठीक, अब यूटिलाइजेशन जब कर रहा है तो ऐसा नहीं कि बस उसके यहां पे बोरा खोल के रुपया 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 झड़का दिया, 20 करोड़ ले ले जा, मॉनिटरिंग करना पड़ेगा कि ऐसा नहीं कि वो लेके उसको ऐसे दे दिया और वो भी उड़ा दिया चारों तरफ, ले ले रुपया रुपया रुपया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ही हैज टू केयर दैट मनी, मतलब प्रोटेक्शन करना पड़ेगा उस रुपया का, कि रिक्वायरमेंट आएगा तब तब साइन कर करके प्रूफ के साथ बकायदा क्या चीज लाया वेरीफाई कर करके वो चीज लाके देंगे, जितना बात होता उतना ही लाके देंगे, एक्स्ट्रा नहीं लाके देंगे, सब चीज का बजटिंग होगा कि क्या क्या लाना था, उसका आइटम बताओ क्यों लाना है, सबका डिटेलमेंट होगा और फिर वो चीज लाके देंगे और उससे मॉनिटरिंग करेंगे कि आप जो सोचे थे वो प्रॉफिट आप ला पा रहे कि नहीं ला पा रहे, उसको अपने बोलते रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, क्या बुलाते हैं आरओआई, तो वो ला पा रहे कि नहीं ला पा रहे। अरे नहीं ला पाएंगे तो क्या होगा, अरे भाई तो ये कहां से जुगाड़ होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज्जत का बात है ना, इधर फेस का वैल्यू है, तुमने मेरे कॉन्फिडेंस में मेरे को 20 करोड़ रुपया दे दिया, अब मैं वो रुपया से जाके एक धंधा करूंगा उससे प्रॉफिट आएगा, तो तुम्हें कम से कम वर्स्ट सिनेरियो में मेरा कुछ नहीं बचे कोई बात नहीं, जो बात हुआ 15% का वो तो देना ही चाहिए, राइट। तो ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहा है कि नहीं मेरे को मॉनिटर करने का है, ऐसा नहीं कि वो कॉस्ट अकाउंटेंट पे ऐसे ही छोड़ देने का है। कॉस्ट अकाउंटेंट तो क्या करेगा, खाली जो लग रहा फिर उसका हिसाब जोड़ेगा, टुकड़ा 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 करके क्लासिफाई करके इकट्ठा करके बता देगा, बट वो रुपया वापस जो मैं दिया वो वापस बिजनेस से आ रहा है कि नहीं आ रहा है उसका मैं पूरा मॉनिटरिंग करूंगा। ये मॉनिटरिंग के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं बताएं, हम लोग पीएल बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, बजट्स बनाते हैं, उससे पूरा मॉनिटरिंग करते हैं कि क्या हुआ, मेरा रुपया गया था तो आया कितना, इस क्वार्टर कितना आया, इस महीना कितना आया। ठीक, मान लो जो रुपया आया वो बहुत अच्छा आ गया, रिटर्न में कॉस्ट ऑफ कैपिटल में बहुत अच्छा आ गया, तो फिर मेरे को आपको लौटाने जाना है, राइट। तो उसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड डिसीजंस, डिविडेंड। डिविडेंड में नॉर्मली ये वर्ड हम लोग इक्विटी शेयर के कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं ज्यादा, मतलब बेसिकली इन्वेस्टर्स जिससे रुपया लिया था उसका रिवॉर्ड उसको देने जाना है, वो फैसला लेना पड़ता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम लोग वो रुपया को प्लाव बैक कर लेते हैं कि उससे और बिजनेस बड़ा करेंगे, या फिर कभी कभी ये सोचते हैं कि अब और बड़ा नहीं करेंगे, रुपया लौटा देते हैं, तो वो भी सोचना पड़ता है कि लौटा दे कि प्लाव बैक करे कि उससे फिर जाके बात कर, देखो तुम्हारा रुपया से हम इतना बना लिया तुमको वापस दे कि बिजनेस को और बड़ा करें। तो अलग अलग लोग होते हैं ना जिनसे रुपया लेने जा रहे, कुछ लोग कुछ सोच रहे, कुछ लोग कुछ सोच रहे, हर एक के पास जा नहीं सकते, ये बोल रहा है नहीं नहीं आप रखो, ये बोल रहा है नहीं नहीं दे दो वापस दे दो, तो दोनों अलग अलग बात बोल रहा है, तो अब डिसीजन लेना पड़ेगा ना करे क्या। अब ऐसा नहीं कर सकते इसको दे दिया उसको नहीं दिया, ऐसा नहीं कर सकते, जो करना एक ही साथ करना पड़ेगा। तो वी हैव टू टेक अ डिसीजन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन, बिकॉज अगर मैं मान लो ये बोलता है रुपया रखो और बढ़ाओ, ये बोलता है दे दो, अब मान लो मैंने उल्टा कर दिया, इसके हिसाब से नहीं किया उल्टा कर दिया रुपया दे दिया, ये गुस्सा हो जाएगा, ये बोला बेकार कंपनी है चलो निकलो यहां से, इसके हिसाब से करे तो ये खुश हो जाएगा वो नाराज हो जाएगा, ये खुश होगा तो वो नाराज हो जाएगा। तो क्या होता है ना कि अगर हम लोग कोई भी डिसीजन उल्टा ले लेते हैं तो उसका इंपैक्ट हमारे कंपनी के गुडविल पे वैल्यू पे आ जाती है। तो ये सब चीज का मैनेजमेंट
कितना तरीका से कायदा से हो सकता है मैनेजमेंट, मतलब बेसिकली इसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या लगाना चाहिए, इसके पीछे कोई रिपोर्ट्स क्या बनाना चाहिए, इसके पीछे क्या क्या एनालिसिस कर सकते हैं, किस तरह का एनालिसिस कर सकते हैं, किस तरह का क्या फॉर्मेट्स बना हुआ है, क्या प्रोसेस हम लोगों का प्रोसीजर्स, क्या कुछ स्टेप्स बने हुए हैं, प्रोसीजर्स या स्टेप्स जो ऑलरेडी बने हुए, बहुत सारा पढ़ाई इसके पीछे वर्ल्ड में सालों से खोजा जा चुका है। तो जो भी पॉपुलर हो गया है सबको पता ही है, वही ज्ञान हम लोग को लेना है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात बता देते हैं कि ये सब पुराना पढ़ाई हो गया, ये बेसिक अल्फाबेट से ए बी सी डी जैसा पढ़ाई हो गया। रियल वर्ल्ड में जब आप जाओगे तो फाइनेंस में हर समय इनोवेशन हो रहा है, हर समय कुछ नयापन है। बोलते हैं हर दो मिनट में एक नया तरीका बन जाता है फाइनेंस के वर्ल्ड में। तो अगर मैं अपने आप को फाइनेंस स्पेशलिस्ट बोलूं तो मैं फाइनेंस स्पेशलिस्ट का 5-10% भी नहीं हूं। वो कंटिन्यूअस अपडेट रखना पड़ता है रियल वर्ल्ड में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, दैट्स अ वेरी चैलेंजिंग थिंग। और उतना हम लोग का सिलेबस का रिक्वायरमेंट है, मैं आपके सिलेबस का स्पेशलिस्ट हो सकता हूं। रियल वर्ल्ड में तो और भी बड़े बड़े स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं जो कंपनीज को हेल्प कर रहे हैं नया नया चीज खोज के निकालने में, कि ऐसे ऐसे जुगाड़ करते रुपया, देखो ऐसे जुगाड़ हो जाएगा, ऐसे जुगाड़ हो जाएगा। तो यू विल नॉट नो कि व्हाट इज हैपनिंग, मतलब आपको अगर वो जानना है तो रेगुलर बेसिस में बिजनेस स्टैंडर्ड नाम का एक न्यूज़पेपर है, बिजनेस स्टैंडर्ड, उसको पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। मैं आपके उम्र में शुरू किया था, ठीक है, मेरे को अब जाके समझ आता है, मैं भी पढ़ता हूं लेकिन अब मेरे को उसका सब चीज समझ आता है। शुरू आपके उम्र में किया था, आधा से ज्यादा चीज ऊपर से चला जाता था, अभी समझ आता है। तो उतना आप सक सको तो बहुत अच्छा बात, नहीं तो एटलीस्ट बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर मंगाओ, हेडलाइंस तो पढ़ना शुरू करो, ठीक है। और बाकी सब्जेक्ट पे अभी बेसिक्स जो है एटलीस्ट वो तो सीखो। तो ये फाइनेंस मैनेजमेंट आपको समझ में आ गया, आप क्या है फाइनेंस, क्यों चाहिए फाइनेंस, मतलब क्या है, आप एक बार अब इसको लिख लो, फिर हम लोग बात करते हैं। देवराज कह रहा है योर वे ऑफ टीचिंग इज सो अंडरस्टैंडेबल, नाइस एग्जाम्पल, सही है, बट पॉइंट इज यू हैव टू रिफ्लेक्ट अपॉन द एग्जाम्पल्स। अभी मैं बोला इतना सारा बात, आपको याद कितना है, रिफ्लेक्ट करना पड़ता है, मतलब वापस से मेमोरी में जाके देखना पड़ता है कि सर ने क्या बोला था। कैपिटल का बात कहां से लाया, कल मेरे को एक कॉस्ट शीट का बात कैसे याद आया पता है, कल ही एक लड़का मेरे को फोन करके पूछ रहा था, तो फोन नहीं क्वेरी किया था, समझ नहीं आ रहा था तो मैं फोन किया, तो एक क्वेश्चन पूछा, सर कॉस्ट शीट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का लिंक क्या। तो वहां से ही मैंने आपको आज समझा दिया कि कॉस्ट शीट में वो खुचुर खुचुर करके जोड़ रहा है, बट उसका जो अमाउंट है वो कौन ला के देगा,
हम लोग लाके देंगे। कॉस्टशीट अभी क्वेश्चन है, सस्पेंस में रखते हैं। कॉस्टशीट में 10 करोड़ रुपया चाहिए, तो वर्किंग कैपिटल 10 करोड़ चाहिए कि उससे ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए, ये क्वेश्चन खाली माइंड में रखना, कभी और सोच के आप बताना, किसी और चैप्टर में आएगा वो क्लैरिफाई होगा। बट कॉस्टशीट में 10 करोड़ है अगर एक साल का, तो वर्किंग कैपिटल में 10 चाहिए कि 10 से ज्यादा चाहिए कि 10 से कम चाहिए, कभी और डिस्कस करेंगे। प्रोक्योरमेंट करने के लिए मैं शायन के पास गया, उससे पैसा मांगा, टर्म्स एंड कंडीशन, फेस वैल्यू, इसे स्टोरी याद रखोगे ना तो कॉन्सेप्ट भूलोगे ही नहीं, स्टोरी नहीं बोलना चाहिए। फिर यूटिलाइजेशन के लिए डिविडेंड माने होता है पे आउट। पे आउट मतलब क्या होता है कि कितना रुपया हम लोगों को जो हमने इनकम किया उसमें लौटा देना है, रिटेन करना है कि पे कर देना। हुआ ये खत्म? सो हम लोग अभी जो पर्टिकुलर पोर्शन उठा रहे हैं पढ़ने के लिए, मैं यहां पर इंटेंशनली आपका लाइन बाय लाइन नहीं चल रहा हूं, मतलब इंस्टीट्यूट मैट में जो चैप्टर 1 है उस पे नहीं जा रहा हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि देर इज सम इंटरलिंक बिटवीन सम अदर चैप्टर्स। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट मैट में अगर मैं आता हूं तो चैप्टर नंबर 1 तो देखो थ्योरी है, उसका थोड़ा बहुत मैं भी डिस्कस किया, वो लास्ट में और पढ़ेंगे। 2 भी पूरा थ्योरी है, और 1 का लिंक है, मतलब 1, 4, 5 एक साथ है, समझ गए? और सेवन और 3 एक साथ है, 7, 3 और 6 ये कनेक्शन है। 2 नंबर पूरा थ्योरी है, फुल थ्योरी है, 1 में भी काफी थ्योरी है, मतलब ये इंटरलिंक्ड है। ओके, तो मेरे को इसीलिए अभी आपको डायरेक्ट चैप्टर 1 खत्म कराने में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि 1 कराऊंगा तो फिर 4, 5 कराना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा इसका लेवल है ना, थोड़ा सा मतलब ज्यादा है। 1 तो इजी है, चलो फंडामेंटल उसका तो थोड़ा बहुत पढ़ा ही रहे, बट 7, 3, 6 क्या ना, आप जल्दी ग्रास्प कर लोगे, आपको सब्जेक्ट अकाउंट्स जैसा लगेगा, 7, 3, 6 है ना, अकाउंटिंग जैसा लगेगा, 1, 4, 5 एक अलग मैथमेटिकल पूरा पढ़ाई उधर, तो ये बाद में करेंगे, ये पहले कराएंगे। ठीक है, और 2 नंबर थ्योरी है तो लास्ट में आराम से हो जाएगा ये सेगमेंट। तो अभी हम लोग चल रहे हैं, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बेसिक्स हो गया,
मतलब फाइनेंस का ये आप कह सकते हैं कि फाइनेंस का फंक्शंस है ये, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फंक्शंस, फंक्शंस ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये चार फंक्शन है। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट आप हेडिंग दो, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि जो हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे हैं दोस्तों उसका उद्देश्य क्या है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो हम कर रहे हैं उसका एकमात्र सोल ऑब्जेक्टिव, सोल ऑब्जेक्टिव, एक एक ही ऑब्जेक्टिव है, वो है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर कौन होता है? कंपनी का ओनर। तो एक तरह से आप बोल सकते हैं ओनर के लिए काम करते हैं कि ओनर का कैसे फायदा हो। ओके, ओनर को फायदा कैसे होता है? दो तरीके से होता है। एक होता है फाइनेंशियल बेनिफिट और एक होता है नॉन फाइनेंशियल्स। फाइनेंशियल बेनिफिट मतलब होता है कि आप पॉजिटिव कैश फ्लोज जनरेट करेंगे, पॉजिटिव रिटर्न्स या फिर पॉजिटिव कैश फ्लोज। समझ में आया? आप ऐसा धंधा करेंगे जिससे आरओआई कॉस्ट से ज्यादा होना चाहिए, इसी को बोलते हैं पॉजिटिव रिटर्न्स लाना है। ठीक है, नॉन फाइनेंशियल मतलब साउंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस डेवलप करने हैं। इस तरह से मैनेजमेंट करना है कि आपका एसेट्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। ठीक है, साउंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस मतलब जैसे वर्कर को जो पैसा दे रहे हो उसका एफिशिएंट हो, एफिशिएंसी मैनेजमेंट हो, एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स बेटर हो। ठीक है, टाइमली मेंटेनेंस होता रहे, मेंटेनेंस ऑफ मशीनरीज होता रहे, मैक्सिमम आउटपुट मशीन से आता रहे। समझ गए? डिसिप्लिन हो, ऑफिस में डिसिप्लिन हो, सारा कंप्लायंसेस आप फॉलो करें, गवर्नमेंट का कोई नियम कानून तोड़े नहीं, अच्छी क्वालिटी का चीज बनाए। समझे? इससे क्या होता है, गुडविल बनता है, गुडविल, कंपनी का ट्रस्ट क्रिएट होता है, गुडविल क्रिएशन। पैसा नहीं कमाया अभी कोई बात नहीं, बट गुडविल तो कमा के दिखाओ तो आपको और पैसा मिल जाएगा। जैसे जोमाटो, स्विगी, ये लोग प्रॉफिट नहीं कमाया अभी तक, गुडविल है कि लोग पागल की तरह इसका शेयर्स भी खरीद रहा है, कंपनी पे भरोसा कर रहा है, गुडविल पे खेल रहा है। गुडविल क्रिएशन होना चाहिए। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन करना चाहिए, एनवायरमेंट, सोसाइटी के लिए थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि कोविड आ गया तो थोड़ा फ्री सर्विस दे दिया, ऐसा कुछ। गुडविल क्रिएशन, एनवायरमेंट, सोसाइटी, समझ गए? एथिक्स से काम करो, एथिक्स मतलब
चिटिंगबाजी नहीं करो, मैनिपुलेशन मत करो, घूस वूस मत दो। इससे क्या होता है, जो बिजनेस है वो थोड़ा लंबा चलता है, तो आज नहीं तो कल पॉजिटिव कैश फ्लो आ जाएगा, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी आता है। ऑल दिस रिजल्ट इनटू लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, ऑल दिस रिजल्ट इनटू लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। तो आप ये सोच रहे अगर फाइनेंस का रोल खाली रुपया जुगाड़ करके देने का है, तो ऐसा नहीं। जैसे आप सोचिए आपका घर में फाइनेंस मैनेजर कौन है, पापा है, ठीक है, पेरेंट्स है एक तरह से। तो पेरेंट्स का जिम्मेदारी खाली यही है क्या कि आपको रुपया लाके दे दिया, बस उनसे पूछा कितना चाहिए, दे दिया, अब बाकी तुम जो करना करो, लास्ट में जब रिटर्न आएगा तब बात करेंगे, ऐसा नहीं होता है। इट्स मॉनिटरिंग इन एवरी डे अफेयर्स, सारा रुपया एक साथ थोड़ी ना पकड़ा देंगे, हिसाब मांग मांग के देंगे, ठीक। और फिर जो भी रुपया, जैसे आप कोचिंग क्लास में आज मेरे पास रुपया दे दिए, तो पेरेंट्स का जिम्मेदारी होता है कि वो रोज पूछे क्या पढ़ा, गया कि नहीं गया, क्लास में आपको भेजे, आप होमवर्क कर रहे कि नहीं, टेस्ट दे रहे कि नहीं, टेस्ट का स्कोर कैसा जा रहा है, आपको और मोटिवेट करते रहे। मतलब इसी से, ये नॉन फाइनेंशियल चीज है, इससे क्या होता है कि आज नहीं भी पास हो पाया तो कल तो हो ही जाएगा। रुपया का रियल वर्थ वहां से आता है, समझे। तो फाइनेंस मैनेजमेंट खाली रुपया पे नहीं फोकस कर रहा है, वेल्थ क्रिएशन पे फोकस कर रहा है, और वेल्थ क्रिएशन खाली रुपया से नहीं होता। कोई बहुत अच्छा लड़का बच्चा, मान लो घर का बेटी बेटा, जो बहुत कमाया नहीं तो भी घर का एसेट होता है वो, क्यों, क्योंकि गुडविल होता है वो, है ना, उसका बिहेवियर, उसका उसका फैमिली के प्रति केयर, वैल्यूज को समझना फैमिली का। तो कमाना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, कमाना एक पार्ट है, अगर ये मिसिंग है नॉन फाइनेंशियल तो कमाई का कोई वैल्यू ही नहीं है। और तो फाइनेंस मैनेजमेंट इस चीज पे फोकस करता है, कैसे अच्छी क्वालिटी बनाएं, क्या कैसे कॉम्पिटिटर से और बेटर करके दिखाएं। इसके लिए ये फाइनेंस मैनेजमेंट वाला कहीं ना कहीं मैनेजमेंट अकाउंटेंट से टाई अप करता है, कोलैबोरेट करता है, दोनों मिलके करते हैं कंपनी में काम। आपका जो एक और सब्जेक्ट है ना मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वो इसी सोच से हमने बनाया कि आप फाइनेंस वाले उनके साथ मिलके थोड़ा सा और उनको अच्छी क्वालिटी लाने पर, अच्छा बिजनेस चलाने पर हेल्प करें। ओके, ये जो वेल्थ है ना, वेल्थ का कैलकुलेशन अगर हमको करना है कि कंपनी में कितना वेल्थ है, तो वेल्थ वर्ड मतलब हम लोग समझते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी। वर्ल्ड वेल्थ का मतलब क्या है, मार्केट वैल्यू। और मार्केट वैल्यू कैसे आता है, ये अर्निंग्स ड्रिवेन है, जो ज्यादा कमाता है उसका ज्यादा मार्केट वैल्यू होता है। एक शादी का बाजार चलता है, आपको मालूम है शादी का बाजार, मैरिज मार्केट। मैरिज मार्केट के बारे में नहीं पता है, हा? नहीं नहीं शादी.com का बात नहीं कर रहे, ऐसी शादी बाजार चलता है, बोली लगता लड़का लोग का, हा? अरे मजाक मजाक के तरह लो इस, तुम बोल रहे ऐसे कोई नहीं, हम नहीं देखा कोई बोली लगता, मतलब क्या, जैसे शादी में ज्यादा डिमांड कौन सा लड़का का होता है, जो IAS पढ़ा हुआ है, ठीक है, फिर IAS का परिवार वाला से आएगा ना, मेरा लड़का का शादी में 1 करोड़ रुपया लगाना पड़ेगा, रेट निकाला ना उसका, 1 करोड़ क्या चीज का, किस बेसिस से 1 करोड़, अर्निंग्स को ध्यान में रख के ना। फिर दूसरा मार्केट में चलता है डॉक्टर, पता है ना, कमा रहा है कि नहीं कमा रहा उससे मतलब नहीं है, कितना कमा सकता है उससे मतलब है, ओवर द लाइफ वो कितना कमा सकता है उससे मतलब है। तो अर्निंग से मार्केट वैल्यू है, 1 करोड़ का बोली क्या बेसिस पे लगा, कैसा दिखता उसके हिसाब से, उसका कोई मतलब ही नहीं, मतलब किससे है, अर्निंग्स के हिसाब से, ठीक है।
ये पुराना जमाना का बात बता रहे हैं आप लोग ऐसे मेरे को लुक दे रहा है जैसे क्या बात करे, ये सोच रही क्या बोल रहे सर, आज का जमाना में सब कहाँ चलता है। हाँ नया जमाना में ये सब नहीं चलता, नया जमाना तो लव मैरिज का जमाना है, तो अर्निंग्स वर्निंग्स कोई थोड़ी ना देखता है। एक जमाना था जब लड़की लोग नहीं पढ़ती थी तो लड़की का माँ बाप क्या सोचता था कि ऐसा खानदान में दे जहां लड़का कमाता हो। तो आज भी वही प्रथा चले आ रही है, जाते लड़का से यही पूछता कितना कमाता है। बट आजकल लड़की लोग सिलेक्ट कैसे करती है पता है, उल्टा बोलते लड़का लोग बेटा कमा तो हम भी लेंगे, पढ़े लिखे तो हम भी है, हम लोग भी अब जमाने के हिसाब से चल रहे हैं, तुम ये बताओ घर का काम करोगे कि नहीं करोगे। तो आजकल जजमेंट अलग तरीके से हो रहा है, कपड़ा धोना आता है, बर्तन मांजना आता है, खाना बनाना आता है, ये सब आता है तब हम शादी करेंगे, कमाने का कोई टेंशन नहीं है, तुम मिलके हम दोनों मिलके कमा लेंगे। समझ गए पुराना जमाना का क्या सिस्टम है, लड़का कमाएगा अभी घर का काम कुछ नहीं करेगा, पूरा अलग हो जाता है वो। ठीक है तो वाइफ खाली लड़की घर का काम कर रही है और वो कमा रहा है, बट नया जमाना क्या है साथ चलने का है। समझ गए, तो फ्यूचर के लिए आपको टिप्स दे दिया गया है, हेल्प होगा। तो बढ़िया बढ़िया लड़की चाहिए तो घर का काम करने का प्रैक्टिस डाल दीजिए, नहीं तो पढ़ी लिखी लोग आपके साथ क्यों आएगी, क्या समझे। खैर पुराना जमाना से कंपनी का वैल्यूएशन अर्निंग्स के बेसिस पे चल रहा है, कंपनी का वैल्यूएशन अर्निंग्स पे। अगर कोई कंपनी का सुनने में आता है ना कि मार्केट वैल्यू ये है मार्केट वैल्यू वो है, तो वो सारा का सारा उसका अर्निंग्स का रिफ्लेक्शन है। अब ये अर्निंग्स नॉर्मली अगर मान लो 10 रुपया है तो मार्केट वैल्यू दिखेगा 50 रुपया, 60 रुपया, 100 रुपया। तो अर्निंग्स इक्वल टू मार्केट वैल्यू नहीं होता है, अर्निंग्स को किसी चीज से मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे मल्टीप्लीकेशन ज्यादातर होता है प्राइस अर्निंग्स रेशियो से। प्राइस अर्निंग रेशियो क्या होता है, ये एक प्राइस निकालने का एक मल्टीपल है, जैसे 5 गुना होगा 10 गुना होगा, मतलब इट इज बेसिकली अ रेशियो विच हेल्प्स यू टू डिटरमाइन द प्राइस, इसको अर्निंग मल्टीपल भी बोलते हैं। तो अर्निंग मल्टीपल क्या करता है, प्राइस निकालने में हेल्प करता है। जैसे आप कोई भी कंपनी का शेयर का प्राइस देख लो गूगल में जाके, कोई भी कंपनी का नाम बोलो, जोमाटो, देखो जोमाटो शेयर प्राइस क्या दिखा रहा है, 58.75। अब जोमाटो का क्वेश्चन आता है अगर ये उसका शेयर प्राइस है तो क्या इसका अर्निंग भी इतना है। हाँ इसमें डिटेल भी नहीं आ रहा, डैश डैश आ रहा है। जोमाटो का ईपीएस क्या, अर्निंग्स कितना है, जोमाटो ईपीएस देखो नेगेटिव चल रहा। ऑपरेटिंग इनकम कितना है इसका मार्च 2022 का, 418 करोड़ नेगेटिव। तो ईपीएस क्या है, नेगेटिव, फिर भी मार्केट में वैल्यू है उसका 58 रुपीज। किस बेसिस पे, फाइनेंशियल नहीं है, नॉन फाइनेंशियल पे। बट आप ये कंपनी को जानते हैं मान्यवर, अब मान्यवर जो है ना ये बहुत अच्छा कंपनी है, इसका ईपीएस आपको सब दिखेगा। देखो फाइनेंशियल्स दिख रहा है, सितंबर 2022 में ईपीएस है 2 रुपया 84 पैसा, डाइल्यूटेड ईपीएस। ईपीएस भी अलग अलग टाइप का होता है, ईपीएस भी अलग अलग टाइप का होता है। इसका शेयर प्राइस कितना दिखा रहा आपको, 1312 रुपया। तो व्हाट डज दिस मीन,
देखो फैक्ट्स दिखाता है कितना इम्प्लॉइज काम कर रहा है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका जो मल्टीपल है ना पी रेशियो 83, इसका मतलब क्या है कि इसका जो वैल्यू आया है वो आया है ये 83 इंटू अर्निंग्स करके उसका वैल्यू दिया हुआ है 1380 रुपया कुछ, मतलब अर्निंग्स जितना वो कर रहा है उसका 83 गुना उसका वैल्यू है। इतना वैल्यू क्यों दिया जाता है, ये मल्टीपल बड़ा क्यों होता है? खाली फाइनेंस से कंपनी का वैल्यू नहीं है ना भाई। अरे जोमैटो में तो नेगेटिव अर्निंग चल रहा है फिर भी वैल्यू है कि नहीं है? तो यही तो समझाना है कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में पुराना जमाना था खाली अर्निंग्स को वो इंपॉर्टेंस देता था, आज का जमाना क्या बोलता है, अर्निंग्स के साथ नॉन फाइनेंशियल को भी इंपॉर्टेंस देंगे। तो अर्निंग्स से किसी का मात्र कितना, 1380 बाई 83 करेंगे कितना आएगा, 16 रुपया वैल्यू है 1380 रुपया। 16 रुपया के पीछे कोई 1380 रुपया क्यों दे रहा है, क्योंकि उसका अर्निंग्स के साथ साथ इतना इसका प्रेजेंस है, अरे विराट कोहली अनुष्का शर्मा ये सबका ऐड कर रहा है, लोगों का जुबा पे है मान्यवर, सारा स्पोर्ट्समैन इसका कपड़ा पहन रहा है, तो ये कंपनी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, इसलिए इसका इतना हाई प्राइस अर्निंग रेशियो चल रहा है। तो ये प्राइस अर्निंग रेशियो हम लोग बोलते हैं नॉर्मली कैप्चर कर लेता है इफेक्ट्स ऑफ बोथ फ्यूचर पॉसिबिलिटीज ऑफ फाइनेंस एज वेल एज नॉन फाइनेंस। ठीक है, एक दूसरा तरीका आपको सिखाया जाता है जो आगे जाके सीखना पड़ेगा, वो होता है जो भी अर्निंग्स आप कर पा रहे हैं मान लो एक साल का, मल्टीप्लाइड बाई इसका प्रेजेंट वैल्यू लिया जाता है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। वो प्रेजेंट वैल्यू कैसे लिया जाता है छोड़ दो, अभी आपको आता नहीं होगा, वो आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो मतलब हम लोग बोलते हैं कि अर्निंग्स तो फ्यूचर में आएगा ना, टक 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 अलग अलग ईयर में आएगा, तो उन सबको आज का टर्म्स में अगर लाया जाए आज का प्राइस इंडेक्स पर, क्योंकि फ्यूचर में तो सब चीज महंगा होता चला जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा, तो आज उसका वैल्यू कम करके सोचा जाए तो क्या वैल्यू बनता है, उससे भी हम लोग कंपनी का मार्केट वैल्यू डिटरमाइन करते हैं। तो मार्केट वैल्यू को मेजर करने के लिए, मतलब वेल्थ को मेजर करने के लिए मार्केट वैल्यू यूज होता है, वेल्थ को मेजर करने के लिए मार्केट वैल्यू यूज होता है, समझ में आया? और मार्केट वैल्यू कैसे निकाला जाता है, अर्निंग्स इनटू प्राइस मल्टीपल, प्राइस मल्टीपल नॉर्मली इनकॉर्पोरेट कर लेता है इफेक्ट ऑफ नॉन फाइनेंस भी, आपको नॉन फाइनेंस को अलग से कहीं अकाउंट फॉर करने का दरकार नहीं है। हाँ जब इन्वेस्टर के पास जाओगे पैसा मांगने के लिए तो आपको इसका लॉजिक्स बताना पड़ेगा कि आप इतना हाई मल्टीपल क्यों मांग रहे हैं, 83 टाइम्स क्यों मांग रहे हैं, क्या बेसिस है, तो आप अपना नॉन फाइनेंशियल समझाइएगा, मेरा इतना ग्राहक है, इतना एम्प्लॉई है, इतना स्टोर है, ये मेरा ऐड करता है, मेरा पास्ट ट्रैक का इतना अच्छा रिकॉर्ड है, ऐसा मेरा मैनेजमेंट है, तो कन्विंस हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो क्या बोलेगा, नहीं 83 ज्यादा लग रहा है 70 मानेंगे, तो आपको पैसा लेना उससे तो लीजिएगा, नहीं लेना मत लीजिएगा, कोई हो सकता है आप किसी को टोपी बनाएंगे तो 100 में भी वो मान जाएगा, तो सब टोपी टापी तो चलेगा ही, वो पढ़ाई में नहीं आता है बट वो रियल वर्ल्ड में चलता है। ठीक है, तो वेल्थ का पढ़ाई आपको समझ में आ गया ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑलराइट, ये अर्निंग्स, अर्निंग्स नॉर्मली हम लोग बोलते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का एक सबसेट, मतलब फाइनेंस मैनेजमेंट क्यों चल रहा है वेल्थ के लिए, वेल्थ कैसे आएगा अर्निंग से, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, सेकेंड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। क्या बुलाते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ये शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जा रहा है, कैसे सोचा जा रहा है, शॉर्ट टर्म व्यू पॉइंट से सोचा जा रहा है। शॉर्ट टर्म व्यू पॉइंट से, और वेल्थ कब क्रिएट होगा, वेल्थ लॉन्ग टर्म में क्रिएट होता है, और
प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कब होगा? शॉर्ट टर्म में. प्रॉफिट शॉर्ट टर्म में आएगा, वेल्थ लॉन्ग टर्म में आएगा. ओके तो शॉर्ट टर्म अगर रॉन्ग चलेगा, अभी लॉस पे लॉस करते रहोगे तो लॉन्ग टर्म तो बहुत ज्यादा सुधारने का मौका नहीं मिलेगा. ठीक है, आप आज फेल होते रहेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट में फेल होते रहेंगे और बोले मेन में पास होके दिखाएंगे, वो पॉसिबल नहीं. क्या समझे? तो शॉर्ट टर्म पे भी ध्यान रखना है एज वेल एज लॉन्ग टर्म पे भी ध्यान रखना है. ऑलराइट, तो ये ऑब्जेक्टिव ऑफ एफएम क्लियर है. अब हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट. नेक्स्ट पार्ट में आता है प्रोक्योरमेंट. प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स. अब ये सब बेसिक फंडा समझा रहे, ठीक है, ये कोई स्पेसिफिक चैप्टर नहीं है. मैं जो आपको समझा रहा हूं ना, ये आपको एफएम सब्जेक्ट को समझने में हेल्प कर रहा. फिर मैं चैप्टर में घुसूंगा तो आपको चैप्टर ऑब्वियस लगने लगे, हाँ ये है, अच्छा ये तो ऐसे होगा. प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स. प्रोक्योरमेंट करने के लिए नॉर्मली दो तरीका है. एक तरीका होता है आप ऐसे लोगों से रुपया मांगेंगे जो पड़ोसी है, फ्रेंड ऑफ फ्रेंड है, रिलेटिव है, बैंक है, बाहर वाले एक्सटर्नल. ठीक है, इसको अपने क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फंड. एक्सटर्नल मतलब हो जाता है ऐसा फंड जिसमें फिक्स्ड ऑब्लिगेशन है. फिक्स्ड ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है? मतलब आपको जो भी आपसे रुपया मिलेगा, आपको जो भी रुपया मिलेगा उस पर्सन से, बदले में जो लौटाना है वो फिक्स लौटाना है. फिक्स हो गया, पहले ही बात हो गया कि इतना 10% पर एनम एक्स्ट्रा देना पड़ेगा. ठीक है, पूरा बात हो गया. फिक्स्ड ऑब्लिगेशन मतलब जो टर्म्स एंड कंडीशन शुरू में बता दिया गया है बस उतना ही रुपया लौटाया जाएगा. क्लियर है? एक्सटर्नल और फिक्स्ड ऑब्लिगेशन मतलब अ फिक्स्ड कॉस्ट इज टू बी बोर्न फॉर दैट कैपिटल. ठीक है, ऐसा कहां कहां से हम लोग ले सकते हैं रुपया जहां पर फिक्स्ड ही देना है? एग्जाम्पल होता है इसका मीडियम सोर्सेस, इसको अपने बोलते हैं सोर्स वर्ड यूज कर सकते हो आप प्रोक्योरमेंट के लिए. तो एक होता है डिबेंचर. ये पता है कि डिबेंचर क्या होता है? हाँ, ये सब डिटेल में आएगा बाद में. ठीक है, अकाउंट्स में थोड़ा बहुत पड़े होंगे डिबेंचर, सुना हुआ है ना. बस अभी इतना ध्यान रखो कि डिबेंचर से रुपया लिया तो फिक्स्ड रिटर्न देना पड़ेगा. डिबेंचर के अलावा कोई लॉन्ग टर्म लोन बोलते हैं हम लोग. टर्म लोन मतलब कि एक फिक्स टेन्योर के लिए रुपया ले लेते हैं. डिबेंचर क्या होता है ना, छोटा छोटा अमाउंट होता है. तुम 10,000 दे दो, वो 5,000, वो 20,000, वो 1,00,000. बट टर्म लोन एक बड़ा अमाउंट होता है. नॉर्मली कोई बड़ा पार्टी से लिया जाता है, एक साथ 100 करोड़ ले लेंगे, बड़ा अमाउंट लेंगे. बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड्स और डिबेंचर एक जैसे ही होते हैं. प्रेफरेंस शेयर भी होता है. प्रेफरेंस शेयर भी फिक्स्ड ऑब्लिगेशन वाला रुपया होता है. प्रेफरेंस शेयर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको लेकर आप पब्लिक में जाएंगे, जो आपका शेयर खरीदेगा वो मालिक बन जाएगा, बट उसको बदले में एक फिक्स्ड रिटर्न मिलेगा. इसमें शेयर वर्ड यूज करते हैं, इसका मतलब वो मालिक के तरह राइट्स इंजॉय करता है. लेकिन उस डिवेंचर में शेयर होल्डर नहीं बोलते वर्ड. क्यों? क्योंकि वो मालिक नहीं. प्रेफरेंशियल और डिवेंचर में कुछ फर्क है. जैसे एक एग्जांपल के लिए, डिवेंचर में मान लीजिए हम लोग उनका इन्वॉल्वमेंट कोई भी चीज में नहीं रखते, बस उससे रुपया लेके आते हैं
और टाइमली बस उसको रुपया दे देते हैं और उनको मतलब भी नहीं। बट प्रेफरेंस शेयर वाला जो होता है उसको साथ लेके चलते हैं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस में उनका वोटिंग लेते हैं, बस यही फर्क है। शेयर होल्डर्स हैव सम वोटिंग राइट्स, डिबेंचर होल्डर्स डोंट हैव एनी वोटिंग राइट्स। जिसके पास वोटिंग अधिकार है वो मालिक है। अब वोटिंग भी जब हम बुलाएंगे कोई अलग जगह मीटिंग में तब वहां पे ही होगा, ऐसे हर मैटर में घुस घुस के आके आप वोटिंग नहीं कर सकते। बाकी आप कंपनी के बाहर रहिए, जैसे मान लीजिए हमारा कंपनी है तो जो डिबेंचर होल्डर है वो बाहर रहो, अंदर आना अलाउड नहीं। किस लिए अंदर आना है? हम डिबेंचर होल्डर है, भागो यहां से, तुमको जो चाहिए वो मिल जाएगा ना। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अंदर आ सकता है? नहीं आ सकता। कोई भी जो मैनेजमेंट का आदमी है सिर्फ वही अंदर आएगा, बाकी लोग नहीं आएगा। ग्राहक है आएगा, वेंडर आएगा, एम्प्लॉई आएगा। ऐसे आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर है तो आ जाएंगे, अंदर आके बैठ जाएंगे, बोले आप लोग क्या डिसीजन ले रहे हैं हमको भी बताइए, हम भी पार्टिसिपेट करेंगे, मेरे पास वोटिंग राइट है, तो भागो यहां से। आपका जब वोटिंग का जरूरत होगा अलग से मीटिंग बुलाया जाएगा, उस दिन आइएगा, और जहां बुलाएंगे वहां आइएगा, चाहे यहां बुलाएंगे या कहीं पर भी बुलाएंगे होटल वोटल में, वहां पे आइएगा, वहां पे वोटिंग करिएगा जिस मैटर पे आपको वोट करने बोला जाएगा। और वोटिंग का अधिकार है, ये नहीं कि आपका बात मान लेंगे, मेजोरिटी जो बोलेगा वो मानेंगे। आप ना बोल रहे, कोई और हाँ बोल रहा है, बट मेजोरिटी हाँ बोल रहा है तो मेजोरिटी का बात चलेगा, समझ गए। बट इन लोग के साथ एक ही कैरेक्टरिस्टिक है, फिक्स्ड ऑब्लिगेशन। इनसे रुपया लेने में एक टेंशन है। क्या टेंशन है? कल को कमा नहीं पाए ना तो भी देना पड़ेगा, छोड़ेगा नहीं है। सर नहीं दिए तो विजय माल्या की तरह भाग जाएंगे, भागना पड़ेगा फिर देश छोड़ के, छोड़ेगा नहीं लोग, नहीं तो, समझ गए। तो टर्म्स एंड कंडीशन जो साइन होता है ना उसमें ऐसा बांध दिया जाता है कि आपको उनको कुछ तो देना ही पड़ेगा ना, फिक्स्ड। आप नहीं कमा पाएंगे तो भी कहीं से जुगाड़ करके लाना पड़ेगा या ड्यू खड़ा रहेगा, ड्यू खड़ा रहेगा, मतलब इट विल बी अ प्रेफरेंशियल ड्यूस, यू हैव टू पे फर्स्ट इन केस द फ्यूचर प्रॉफिट विल कम। ओके, सेकंड होता है, आप ऐसा जन से भी रुपया लेते हैं, सोचो कितना मजा हो जाएगा। आप रुपया लेने जा रहे हो और सामने वाला बोल रहा है ले लो, और आप पूछ रहे हो बदले में क्या चाहिए, वो बोलता है कुछ नहीं, तुम कमाओ तुम ग्रो करो, कुछ बोल ही नहीं रहा। ऐसा जन से जहां से रुपया लेते उसको हम लोग बोलते हैं इंप्लाइड ऑब्लिगेशन। क्या बुलाते हैं? इंप्लाइड ऑब्लिगेशन। इंप्लाइड ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है कि देयर इज नो अग्रीमेंट टू रीपे और टू पे एनी एक्स्ट्रा चार्ज। सोचो, वाह भैया ऐसा ही चाहिए आदमी, हाँ मैं शायन से 10 करोड़ रुपया ले लिया और बदले में ना तो रिटर्न करने का टेंशन, ना तो कोई फिक्स चार्ज देने का टेंशन, कोई एक्स्ट्रा चार्ज ही नहीं, तो भाई लूट लो। तब तो ऐसा ही आदमी चाहिए, बस लूट लो, है कि नहीं? बट ऐसा आदमी मिलेगा कहां? कौन होगा ये? ये मेरे नजर में एक ही है, आपकी मां। मां को इतना भरोसा है बस, और कोई को नहीं है। पिताजी को भी नहीं होता है, वो कैलकुलेशन करने लगेंगे कहां गया, क्या किया, क्या किया। मां का कोई कैलकुलेशन नहीं होता है, वो बोलती है ले ले बेटा, नो प्रॉब्लम। तुम रिटर्न करने जाओगे तो ले, अरे तू रख और ग्रो कर और बढ़ा। बट कभी गिफ्ट लेके जाओगे शायद रख ले, बट अदरवाइज वो आपसे कोई सौदा नहीं करती है, वो आपको सिर्फ देने में विश्वास रखती है। ये इंडियन मेंटेलिटी है, लेकिन ध्यान रखना हर कंट्री में ऐसा नहीं चलता है, इंडियन मेंटेलिटी है मां का। तो ऐसा ऑब्लिगेशन जहां पर कोई
एक्सप्रेस्ड ऑब्लिगेशन नहीं है, तो आपका फर्ज बनता है, एथिकल चलना है ना, तब ना तो वेल्थ बनेगा। एथिकल बोलता है कि कोई बिना मांगे अगर रुपया दे रहा है तो आप समझ लेना आपको जीना है उसके लिए और मरना है उसके लिए, आपको अपना सब कुछ उसी के हिसाब से चलाना है कि उसने आपको ऐसे ऐसे रुपया दिया बिना ऑब्लिगेशन के। ऐसे लोगों को हम लोग बुलाते हैं इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। इसलिए फाइनेंस मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये देखो, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ डिवेंचर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं, इक्विटी शेयर होल्डर। क्यों भैया, इससे इससे इतना प्रेम क्यों है हम लोग को, क्योंकि रिश्ता ही ऐसा बनाया, कुछ मांगा ही नहीं कभी, तो जो मांगा नहीं तो उसी के लिए जी रहे हैं, उसी के लिए सब कुछ चला रहे हैं, समझ गए। तो ऑब्वियसली आपको क्या लगता है, व्हाट वुड बी योर मोस्ट प्रेफर्ड सोर्स ऑफ फंड, इक्विटी शेयर होल्डर की इधर वाला फिक्स्ड ऑब्लिगेशन, समझ में आया, इक्विटी प्रेफर्ड होगा। लेकिन ट्विस्ट, इक्विटी शेयर होल्डर क्या होता है उसको समझो। इक्विटी शेयर होल्डर, इसको शेयर होल्डर क्यों बोलते हैं, ये भागीदार है, भागीदार, भागीदार मतलब मालिक है। क्या ये शेयर होल्डर बन गया तो अपना पर्ची लेकर कंपनी में घुस जाएगा और सब मैटर में इंटरफेयर करेगा? नो, अनलेस, एक कंडीशन है इस पे, अनलेस इसके पास मेजॉरिटी, हाईएस्ट नंबर ऑफ शेयर्स, जो मतलब जितने भी और भी शेयर होल्डर्स है उसके कंपैरिजन में अगर मेजॉरिटी इसके पास आ गया तब तब ये बोलेगा सब हटो, अब अपुन बैठेगा, समझे। इलॉन मस्क का नाम सुने, जाके ट्विटर में बैठ गया सीधा, कैसे, ऐसे इक्विटी शेयर होल्डर का मालिक बन गया, इतना शेयर खरीद लिया कि अब वो किसी को भी निकाल सकता है, समझ गए, ये पावर सिर्फ इसके पास है। दूसरा बात, अगर उतना शेयर्स नहीं आया है तब तक क्या करने गए, जैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर था वैसे ही मीटिंग में बुलाया जाएगा, वोट करो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोलता है मेरे को साल का एक फिक्स डिविडेंड चाहिए, डिविडेंड बोलते हैं उधर, बट इक्विटी शेयर होल्डर बोलता है हमको कुछ नहीं चाहिए, देना है तो दो, नहीं देना मत दो। तो नियम क्या बना, बिजनेस करने का एक अपने आप कल्चर बन गया, ये कल्चर ओवर द इयर्स लोगों ने बनाया अपना इंटेग्रिटी को बना के रखने के लिए, एथिक्स को बना के रखने के लिए, कि सोचो ये बिजनेस करने के लिए रुपया आया, ठीक, इस रुपया से हम लोग कुछ रिटर्न कमाएं, ये हम लोग फंड लेकर आए, ये हम लोग के पास रिटर्न आ गया, तो हमने बोला कि देखो सबसे पहले हम लोग ऐसा करते हैं कि उनको रुपया लौटा देते हैं जिन्होंने फिक्स्ड ऑब्लिगेशन मांगा, फिक्स्ड वालों को फर्स्ट प्रेफरेंस दे दो, और जितना बच गया बैलेंसिंग फिगर वो सारा का सारा इंप्लाइड वाले को दे दो, ये रूल बन गया। तो इक्विटी शेयर होल्डर विल ऑलवेज हैव द राइट्स ओवर द लास्ट अमाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर विल ऑलवेज हैव द राइट्स ओवर द लास्ट लेफ्ट ओवर अमाउंट, क्योंकि और तो किसी को देना नहीं है ना, सिंपल बात है, आप रुपया लेकर आए थे उनसे रिटर्न कमाया, उस रिटर्न जब ले जाके मम्मी को देने लगे तो मम्मी बोली ये क्या लेके आया, बोला मम्मी आपने दिया था तो आपको लिदा के दिए, तो मम्मी मारने लगी चमाटा 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 चमाटा, बोले ये इसलिए रुपया दिया था कि तू मेरे को वापस देगा, जा तेरे को जिसको जिसको देना है उसको दे दे पहले, मेरे को क्यों दे रहा है, मेरे को नहीं चाहिए,
तो फिर प्रेफरेंशियल होल्डर को दे दिया, डिवेंचर वाले को दे दिया, लोन वाले को दे दिया, वो लोग तो मांगते खड़े हैं। तो तू पड़ोसी से लाया था, बैंक से लाया था, वो सबको दे क्या बाहर वाले को? पहले वो एक्सटर्नल पीपल है, मैं तो तेरे घर की हूं। इक्विटी शेयर होल्डर को हम लोग घर का आदमी मानते। तो घर में अब आप क्या बोले, मम्मी सबको दिया है फिर भी बचा हुआ है। तो फिर भी यदि बचा हुआ है तो जो इतना बचा हुआ है वो सब पे किसका अधिकार है? इक्विटी शेयर होल्डर का। ठीक है, अब चीज को समझना असली। अब चैप्टर में घुसवा रहे हैं आपको। हाँ, अब जो चैप्टर आने वाला है मेरा, अब उसमें एंट्री डालवेंगे तो असली कॉन्सेप्ट अब आने वाला है। तो अब समझो कि यदि मैं एक फिगर ले लेता हूं, मैं 20 करोड़ रुपया लेके आया, उससे मैं एक साल में 5 करोड़ कमाया। ठीक, अब ये 20 करोड़ रुपया मैं कहां से लाया उसका डिस्ट्रीब्यूशन समझाता हूं। मैं 10 करोड़ यहां से लाया था और 10 करोड़ यहां से लाया था, करेक्ट। अब 5 करोड़ यदि यहां पे आया तो इन लोगों को तो एक फिक्स देना है। वो मान लीजिए फिक्स था 15%, तो 10 करोड़ का 15% कितना हुआ? 1.5 करोड़। ठीक, और 5 करोड़ में 1.5 करोड़ अगर मैं इनको दे दिया तो इनके लिए कितना बचा? 3.5 करोड़। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ये कब हुआ पता है? जब मैंने इनसे भी रुपया लिया। ठीक, अगर आप बोले ना सर बेटर तो वही है कि सारा इक्विटी से लो, सारा यदि इक्विटी से लेते तो फंड 20 करोड़ रुपया, रिटर्न 5 करोड़ रुपया, और सारा का सारा मान लो यहां पर डेट फिक्स्ड ऑब्लिगेशन का कोई नहीं है, उनसे कुछ लिया ही नहीं था, तो जो है इंप्लाइड वाला है, इंप्लाइड वाले से 20 करोड़ लिया तो 20 करोड़ को पूरा का पूरा 5 करोड़ मिल जाएगा ना रिटर्न। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इनको कितना मिला? 5/20 कितना परसेंट हुआ? 5/20 करने से 25% आ रहा है। लेकिन 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 यहां पे 20 लेके बदले में 5 आया है, इधर देखो 10 लेके बदले में 3.5 आया है, तो रिटर्न के परसेंट कितना हुआ? 3.5/10 35% हुआ। आप जी रहे किसके लिए? इक्विटी शेयर होल्डर का फायदा कराने के लिए। इक्विटी शेयर होल्डर का फायदा किधर है? सारा रुपया इक्विटी शेयर होल्डर से लेने में कि थोड़ा इक्विटी से और थोड़ा फिक्स्ड पे लेने पे? समझ में आया? अब देखो पढ़ाने का दो तरीका होता है, मेरे लिए 10 मिनट का काम था। मैं सीधा पहला लाइन लिखता कि जब भी रुपया लेना है तो फिक्स वाला से भी लेना है, उससे इक्विटी को फायदा होता है। चलो आगे बढ़ते। बट ये एक पढ़ाने का तरीका अलग है। हमारा पढ़ाने का तरीका कहता है कि तुम खुद फील करो, तुम्हारे अंदर एक करंट आएगा, ये तो सही है यार, हाँ ये तो सही है, तुम खुद जजमेंट करोगे। ठीक है, तो क्लियर है कि हम लोग को फिक्स से रुपया क्यों लेना चाहिए? इससे क्या होता है, इक्विटी का घर से रुपया कम आता है, उसको रिटर्न ऑन इक्विटी ज्यादा मिलता है। इस कॉन्सेप्ट को एफएम के सब्जेक्ट में एक नाम दिया गया, इसका नाम दिया हुआ है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। क्या नाम दिया हुआ है? जो कहता है कि इक्विटी वालों का रिटर्न्स को बढ़ाने के लिए, इक्विटी वालों का रिटर्न्स को बढ़ाने के लिए फिक्स्ड से भी रुपया लेना चाहिए। बट क्या है ना, हर एक चीज का अपना पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। तो नेगेटिव क्या है इधर बोलो? अगर लॉस हो गया तो वो लोग खड़ा रहेगा, तुमको तंग कर देगा,
जान ले लेगा तुम्हारा 1.5 करोड़ रुपया के पीछे, हमारा बिजनेस को बिकवाने का कोशिश करेगा। इधर में क्या है कि अगर लॉस हो गया तो कोई बात नहीं है, घर का बात है, हो गया फिर कमाएंगे। फिर अगर इसमें लॉस हो गया तो वो अगला साल 1.5 करोड़ प्लस 1.5 करोड़ मांगेगा, बट इसमें क्या होगा, अगला साल जो अगला साल कमाया वो दे देना, ठीक है। तो अगर आप वो रिस्क ले सकते हैं, रिस्क, ये एक रिस्क है, इस रिस्क का नाम है फाइनेंशियल रिस्क। अगर आप ये रिस्क ले सकते हैं, फाइनेंशियल रिस्क ले सकते हैं, तो इट कैन बेनिफिट योर इक्विटी शेयर होल्डर्स। बट एज अ फाइनेंस मैनेजमेंट, एज अ फाइनेंस मैनेजर, आपको अपना बिजनेस का स्कोप के हिसाब से, पूरा अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, जितना क्षमता हो उतना ही रिस्क लेना चाहिए। क्या समझे? जितना बिजनेस में स्कोप हो, क्षमता हो, एबिलिटी हो, उतना ही रिस्क लेना है, अननेसेसरी रिस्क नहीं लेना है। क्लियर है? तो ये डिसीजन मेकिंग कौन करता है? फाइनेंस मैनेजमेंट करता है, ठीक है। और ये जो यूज ऑफ फिक्स्ड ऑब्लिगेशन इन योर बिजनेस टू मैग्नीफाई द रिटर्न्स टू योर इक्विटी शेयर होल्डर्स, इस कॉन्सेप्ट का नाम है लिवरेज, लिवरेजिंग करना, इसको बोलते हैं लिवरेजिंग करना। लिवरेजिंग करना मतलब थोड़ा सा कुछ चेंज करके ज्यादा फायदा निकालना। चेंज क्या किया, बस बिजनेस वही है, रुपया खाली लेने का सिस्टम थोड़ा सा बदला, नहीं कि फायदा ज्यादा हो गया, इसको बोलते हैं लिवरेजिंग करना। तो हम लोग का जो नेक्स्ट चैप्टर वो लिवरेज ही है, तो लिवरेज चैप्टर जन्म ले लिया। यहां से अब समझना है कि लिवरेजिंग का और प्रोज एंड कॉन्स क्या है, उसका फायदा क्या है, उससे रिलेटेड और क्या कैलकुलेशन है, ठीक है। चलो इसको लिखो, लिख लिया।
So, by taking advantage of funding from fixed obligation, yes, जो भी fixed obligation होता है ना उधर ऐसा लिख दो, इसको हम लोग बुलाते हैं debt. एक्चुअली प्रेफरेंस शेयर भी लिख दिया, मत लिखो आप, ठीक है, डेट वर्ड मत लिखो. नॉर्मली ये सबको बुलाते डेट, और इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर को बुलाते इक्विटी. बी वर्ड डेट इक्विटी मत यूज करो, कंफ्यूज हो जाओगे. फंडिंग फ्रॉम फिक्स्ड ऑब्लिगेशन सिक्योरिटीज द रिटर्न टू इक्विटी शेयर होल्डर्स कैन बी मैग्निफाइड ब्रैकेट में फ्रॉम 25% टू 35%. So by taking advantage of funding from fixed obligation securities, the return to equity shareholders can be magnified from 25 to 35%. Okay. But this also comes at a financial risk. Got it? Which means that there will be an obligation to pay the cost of capital even if there is a loss. But this also comes at a financial risk, which means that there will be an obligation to pay the cost of capital even if there is a loss. So by this I have achieved my goal today, that I have been able to give you the background of the subject. Now in this subject what happens is, how do you maximize the wealth of equity shareholders? That is only the coverage. So if you will see the first chapter, this is tools for financial analysis. Baki do to theoretical hai. Tools first mein thoda sa time value of money. Time value of money abhi tak aapko hum sikhaye nahi hai, to abhi hum usme ja nahi rahe. उसके बारे में मैं कुछ भी जिक्र भी नहीं किया. मैं जस्ट एक ही बात बोला था कि इन्फ्लेशन होते रहता है ना, तो वैल्यू ऑफ मनी चेंज होता है, तो उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लाया जाता है. वो सब टाइम वैल्यू से होता है. टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस क्या करता है कि आपका जो पीएल बैलेंस शीट बन रहा है उसको मॉनिटरिंग करते रहना पड़ता है, नहीं तो पता चला रुपया तो सब गायब हो जाएगा. और सोर्सेज ऑफ फाइनेंस अभी आपको बताया, मेजर दो सोर्स है, फिक्स्ड ऑब्लिगेशन और इम्प्लाइड ऑब्लिगेशन. तो दोनों सोर्स का कॉस्ट कैलकुलेशन होता है, वो यहां पे सिखाया जाता है, ठीक है. और फिर आपको ये भी सिखाया था कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर 10% है तो बिजनेस से रिटर्न कम से कम 10 तो आना ही चाहिए, उससे ज्यादा आए तो अच्छी बात है. तो वो कैपिटल बजटिंग में चेक किया जाता है कि कितना रिटर्न एक बिजनेस में आ रहा है, या नया प्रोजेक्ट करेंगे, नया मशीन लाएंगे तो उससे कितना रिटर्न आएगा. फिर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट ये समझाता है आपको, जैसे कॉस्ट शीट मैंने बोला था ना, 10 करोड़ रुपया अगर आपका कॉस्ट शीट में रिक्वायरमेंट आया है, तो क्या आपको वाकई में 10 करोड़ वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए कि उससे कम चाहिए कि ज्यादा चाहिए, वो इस चैप्टर में कवर होता है, ठीक है. फिर फाइनेंसिंग डिसीजन ऑफ अ फर्म, वो मैं अभी पढ़ा रहा हूं आपको, मैं ऑलरेडी ये स्टार्ट कर दिया हूं फाइनेंसिंग डिसीजन ऑफ अ फर्म में, कि हम लोग सोच रहे कि कहां से क्या ट्विक करे
फाइनेंसिंग करने के लिए कि इक्विटी शेयर होल्डर का रिटर्न मैक्सिमाइज हो जाए, बट उस क्विक करने के कारण क्या रिस्क हो सकता है, क्या और टेंशन बढ़ सकता है, वो सबको समझना है। इसके अंदर एक और आता है डिविडेंड डिसीजन भी। डिविडेंड डिसीजन समझाया था आपको कि अगर मैंने कमा लिया तो वो रुपया लौटाना है कि और ग्रो करने में यूज करना है। अब अलग अलग लोग अलग अलग तरह से सोचते क्या करें, तो सबके हिसाब से तो नहीं चल सकते, बट फिर भी कैसे चलना चाहिए जिससे कि वो लोग नाराज ना हो और मेरा शेयर का वैल्यू गिरे नहीं, तो वो फाइनेंसिंग डिसीजन में आता है। तो आपको भूमिका मिल गया, पूरा सब्जेक्ट को एक बर्ड्स आई व्यू से आपने देख लिया। और मैंने आपको क्या क्या बताया एक बार फिर से देखो, मैंने आपको समझाया कि देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फाइनेंस और मैनेजमेंट दो हो रहा है। तो फाइनेंस में पहले कॉस्ट शीट वालों को बोल के रिक्वायरमेंट पता कर लिया, एसेट्स कितना चाहिए उससे कैपेक्स यानी फिक्स कैपिटल पता कर लिया, फिर प्रोक्योरमेंट करने के लिए शाइन के पास गए तो उससे पूछा कि भाई तू पैसा लगाएगा, बंद मुट्ठी लाख की वाला थ्योरी से प्लान समझा के पैसा ले लिया। फिर यूटिलाइजेशन करने गए तो ध्यान रखा कि मॉनिटरिंग करेंगे नहीं तो इधर उधर हो जाएगा सारा रुपया। फिर जो कमाया उसका डिविडेंड का भी काम होता है, और फिर आपको ये सब रुपया को मैनेज करने के लिए या रुपया का जुगाड़ करने के लिए क्या फॉर्मेट्स, क्या थॉट प्रोसेस, क्या रिपोर्ट्स, क्या प्रोसीजर्स फॉलो करने, वो सभी मैनेजमेंट है। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट बताया कि सोल ऑब्जेक्टिव वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है। वेल्थ मतलब मार्केट वैल्यू होता है, वेल्थ आपका फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दोनों से क्रिएट होता है। ऐसे फाइनेंशियल मतलब अर्निंग्स है, तो अर्निंग्स मतलब भी वैल्यू होगा क्या? बिना अर्निंग्स से वैल्यू नहीं होगा, बिना अर्निंग्स से भी वैल्यू होता है। कैसे? नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स। एग्जांपल जोमैटो का दिखाया, एग्जांपल तो आपका भी है, आप भी तो खुद एक एग्जांपल हो, आपका वैल्यू है कि नहीं है? वैल्यू तो है ही, तो फाइनेंशियल अभी नहीं है, अर्निंग्स नहीं है, बट अदर नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट से तो आपका बहुत वैल्यू है। तो उस वैल्यू को कैप्चर कर लेता है प्राइस अर्निंग रेशियो। ठीक है, तो इवन दो योर अर्निंग इज नॉट देयर, स्टिल द वैल्यू कैन कम। और या फिर ये अर्निंग निकालने के लिए आप अपने तरफ से भी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से निकाल सकते हो। और अर्निंग्स मतलब प्रॉफिट, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी हमारा एक सेकेंड ऑब्जेक्टिव रहता है, क्योंकि अगर शॉर्ट टर्म में फेल होते जा रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में फिर अचानक से कैसे पास हो जाएंगे। तो प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स करने का फिर मैंने आपको बताया दो तरीका होता है, फिक्स्ड ऑब्लिगेशन और इम्प्लाइड ऑब्लिगेशन। फिक्स्ड ऑब्लिगेशन वालों से रुपया लेने से इक्विटी शेयर होल्डर को इम्प्लाइड ऑब्लिगेशन को थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न मिलता है, तो थोड़ा ट्विस्ट करने से रिटर्न ज्यादा मिलता है। बट उसका एक रिस्क भी है कि भाई अगर कल को अगर लॉस हो गया तो फिर वो भरपाई इक्विटी शेयर होल्डर को ही करना पड़ेगा इनडायरेक्टली। तो यहां पे आज रुक जा रहे हैं, अगला दिन हम लोग लेवरेज चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हो सकता है आपको मैट मिलने में देरी हो, जस्ट इन केस, क्योंकि जो अभी आप नया लाइव क्लास स्टार्ट कर रहे हैं तो मैट राइट नाउ रेडीली अवेलेबल नहीं है। जो हमारे यहाँ पे फेस टू फेस आ रहे हैं उनको हम लोग प्रिंट आउट दे दे रहे हैं, जो ऑनलाइन में कर रहे हैं उनको अभी कुछ PDF भेजेंगे ग्रुप में, और एट द सेम टाइम हम लोग कुछ प्रिंट आउट्स भेज देंगे, कुरियर कर देंगे। मैट जैसे ही रेडी हो जाएगा वैसे ही भेज दिया जाएगा। अगर आप ये क्लास वीडियो में बाद में कर रहे हो तब तो मैट मिल ही जाएगा आपको, बट इन केस अगर मैट नहीं मिला तो PDF टेलीग्राम ग्रुप में रहेगा, उससे रेफर करके एक बार कर लेंगे। रेफर क्या, बेसिकली प्रिंट आउट करा लेंगे आप कुछ पेजेस, 2-4 रुपया के लिए मत सोचिएगा, क्योंकि बच्चा लोग फिर हमको जैसे एक चुटकी सिंदूर की कीमत समझाता है ना, वैसे बच्चा लोग हमको 2 रुपया जीरोक्स में की कीमत तुम क्या जानो सतीश बाबू भी समझाता है। तो जीरोक्स कराने पे मत हिचकिचाइएगा अगर इन केस आपको PDF नहीं मिला है। वैसे जो भी चैप्टर अभी तक बना है उसमें उसका PDF आपके साथ ग्रुप में शेयर कर देंगे, और अगर आप फेस टू फेस आ रहे तो आपको प्रिंट आउट दे देंगे। ठीक है, थोड़ा आप भी ग्रुप में कुछ लोग चिक चिक करेगा तो संभाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, विल कंटिन्यू नेक्स्ट डे।